में सभी मास्टर्स का स्वागत है। आज धीरेन सर हमसे जुड़ेंगे, उससे पहले हम सब 15 मिनट का ध्यान करेंगे, फिर धीरेन सर से ज्ञान सुनकर उसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम सब पहले ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। सबको पता है पिरामिड से क्या फायदा है, तो अगर जिसके पास पिरामिड है तो वो सब पिरामिड पहन ले। घर में हमारे पिरामिड है तो उसका जरूर हम सब फायदा लें। तो थोड़ा टाइम देती हूँ कि सब लोग पिरामिड पहन ले। और एक्स्ट्रा पिरामिड लेकर हम अपने घर में भी उसको मटके के ऊपर, फ्रिज के ऊपर, जो हमारी पानी की बॉटल्स हैं उनके ऊपर हम उसको रखकर उसका पूरा फायदा उठाएं। तो सभी मास्टर्स को नम्र निवेदन है कि आप सब ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। 15 मिनट का हम ध्यान करेंगे, उसके बाद हम धीरेन सर से बात करेंगे। धीरेन सर आज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताने वाले हैं, उसी की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स हम सबको होती है, तो आज उसका समाधान हम धीरेन सर से करेंगे। तो प्लीज सब लोग 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाएं, हाथों को हाथों से जो मिला लें और पैर क्रॉस कर लें। अगर बेड पर बैठे हैं, सोफा पर बैठे हैं, तो पैरों को फोल्ड करके भी बैठ सकते हैं और आंखों को बंद कर लें। आंख बिल्कुल भी बीच में नहीं खोलेंगे 15 मिनट के लिए। जब तक नहीं बोले तब तक आंख कोई भी नहीं खोलेगा। हम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी सर को इनवाइट करते हैं। सभी एस्ट्रल मास्टर को पिरामिड इनवाइट करते हैं, और जिसको भी हम अपने फैमिली मेंबर्स को, जिनको भी हम ध्यान में लाना चाहते हैं, उनको भी विजुलाइज करें सामने अपने बिठाकर, वो भी इनविजिबल रूप में आपके साथ जरूर ध्यान में बैठेंगे। आनापान सति ध्यान बहुत ही आसान तरीका, ध्यान का बहुत ही आसान तरीका है। इस ध्यान के जो फायदे हैं वो अलग ही चमत्कार हैं, तो जरूर हम इन सबको अपनाएंगे। ध्यान करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। सब अपनी सांसों से जुड़ जाएं, आती जाती सांस पर केवल ध्यान। हमारे शरीर की 10% ऊर्जा हाथों से, 10% ऊर्जा पैरों से, और 80% ऊर्जा हमारी आंखों से बाहर जाती है। लेकिन जिस रूप में हम बैठते हैं, सारी ऊर्जा हमारे अंदर एकत्रित हो रही है। हाथों को हाथों में जरूर डालकर बैठें, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर, और आंख बिल्कुल बंद रखेंगे, पूरा फायदा उठाएं। बीच में आंख खोलने से एकत्रित ऊर्जा बाहर चली जाती है, बीच में आंख बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। हर व्यक्ति को अपनी उम्र के हिसाब से ध्यान करना है। 20 साल उम्र है तो 20 मिनट, 50 साल है तो 50 मिनट कम से कम, बाकी तो 2 घंटा सुबह, 2 घंटा ध्यान जरूर करना है। सर बोलते हैं 2 मिनट का टाइम मिले तो 2 मिनट भी ध्यान में बैठ जाओ, 2 मिनट भी वेस्ट ना करो। हमारे टाइम की, हमारी सांसों की, हमारे शरीर की हमें बहुत वैल्यू करनी है।
आना पान सते ध्यान, मतलब आना मतलब आती हुई श्वास, पान मतलब जाती हुई श्वास, सती माना जुड़ जाना। आती जाती श्वास से हम जुड़ जाएं। हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर हमें ध्यान में मिल सकता है। अपने पावर को हमें ध्यान से बढ़ाना है। सभी समस्याओं का समाधान है ध्यान। हम अपनी समस्या लेकर कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, लेकिन हमारी समस्या है, समाधान भी हमारे पास ही है। सभी आती जाती सांस से जुड़े रहें। किसी के भी अंदर कोई सवाल है, वो ध्यान में सवाल डाल दें, आज नहीं तो कल उसका उत्तर जरूर मिलेगा। विश्वास हो अपने ऊपर। मेरी श्वास ही मेरा गुरु है। जब भी मन बेचैन हो, तुरंत ध्यान में बैठ जाएं। दस मिनट का ध्यान भी बहुत आराम देगा। पत्री जी सर के शुक्राने हैं, घर बैठे हमें ज्ञान मिल रहा है। हम सभी को महासंकल्प करना है। पूरे जगत को ध्यान जगत बनाना है। पूरे जगत को शाकाहार जगत बनाना है। पूरे जगत को पिरामिड जगत बनाना है। मुझे बनाना है, मुझ में है वो ताकत। अपनी ताकत को हम सब पहचाने। अपने आप को कभी भी वीक नहीं करना। मैं ही वो मास्टर हूं जो सब कुछ कर सकता हूं। अपनी आती जाती सांस से जुड़े रहें। मैं इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं आया हूं, बहुत बड़ा काम मुझसे होना है। मैं सिर्फ संकल्प डाल दूं, प्रकृति मुझसे सब करवाएगी। विश्वास ही करामतों की करामत है। किसी बड़े पत्थर की तरह रुकना नहीं है,
पानी की तरह बहना है, बहते रहें बहते रहें। हर आती जाती सांस को महसूस करें, विचार आ रहे हैं आने दो, फिर सांसों से जुड़ जाएं। सबसे सरल है आनापान सति ध्यान। आंखें खोलकर अपना नुकसान नहीं करें, महसूस करें मेरे ब्रह्म रंध्र से सफेद लाइट मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। शरीर के हर पार्ट में व्हाइट लाइट फैल रही है। शरीर में कहीं भी प्रॉब्लम है, वहां उस सफेद लाइट को फील करें। ध्यान से सभी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बॉडी के हर पार्ट को प्यार कर, महसूस करें मेरे बॉडी का हर पार्ट स्वस्थ है। विचारों का पीछा ना करें, मेरे अंदर विश्व की सारी ऊर्जा का समावेश हो रहा है। शुक्रिया की आदत डालें, मेरे साथ जो भी हो रहा है मैंने ही सोचा है, मैं ही प्लान करके आई हूं, किसी की कोई गलती नहीं है। सबको माफ करूं, खुद भी सबसे माफी मांग रहे हैं। प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू ऑल। सब मेरी मीठी आत्मा, मेरा सबसे प्यार है। मुझे भी सब बहुत प्यार करते हैं। पूरी यूनिवर्स से मुझे प्यार मिल रहा है। यूनिवर्स से प्यार लेकर वही प्यार हमें लुटाना है। हमारा जन्म दिव्य है। मैं दुनिया में सिर्फ प्यार करने आया हूँ। किसी से भी कोई राग द्वेष नहीं, सब मेरा अपना आप ही है।
धीरे धीरे सब अपने शरीर में आए। लास्ट 10 सेकेंड, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। धीरे धीरे अपने हाथों को आंखों पर रखें। आंखों पे हाथ रखे हुए ही आंखें खोलकर धीरे धीरे हाथ हटाते हुए मुस्कुराते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड थैंक यू गॉड। सभी मास्टर्स का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब ताली बजाएंगे हमारे ध्यान के लिए। 15 मिनट का ध्यान बहुत अच्छे से हुआ। सब लोग ताली बजाकर अपने आप को ही पीठ थपथपाएंगे। थैंक यू थैंक यू। धीरेन सर वेलकम। गुजरात टीम में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। आपके थ्रू हमें बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है, बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है हमें। फिजिकल स्पिरिचुअली हर तरह से हमारा फायदा हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। धीरेन सर गुजरात टीम में रोज होस्टिंग करते हैं और आज धीरेन सर यहाँ पर स्पीकर बनकर आए हैं और सर हमें आज हमारे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मेन हम आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन के लिए। ज्यादातर बीमारियां पेट से होती हैं, जो पेट में खाना नहीं पचता है और वहीं पड़ा रहता है, सड़ जाता है, उसी से गैस बनती है और ज्यादातर बीमारियां उसी से जुड़ी हुई रहती हैं। तो सर आज हमको उसी बारे में पूरा क्लियर करके बताएंगे। 10:30 तक सर हमसे बातें करेंगे। उसके बाद जिसका जो भी क्वेश्चन होगा तो हम जरूर सर से बात करके अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्वेश्चन करने में कोई भी ना झिझके, यहाँ हर समस्या का समाधान है। तो प्लीज कोई भी परेशान ना हो और अपनी सभी समस्याओं का समाधान पीएमसी गुजरात पर कर लें। थैंक यू सर, आपका स्वागत है। नमस्कार और बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। सर, आपने नमस्कार। बहुत ही अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन किया और आपका ध्यान यस जो सर। कराने का तरीका था वो भी बहुत ही निराला और बहुत अच्छा था। आपकी आवाज में बहुत मिठास है। थैंक यू सर, सब आपसे ही सीखा है सर और जो आगे सीखेंगे वो भी सब आप ही सिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उनसे हम सभी सीख रहे हैं, मैंने भी उनसे सीखा है, आपको भी उन्हीं से सीखने को मिल रहा है। यस सर। हम सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम यहाँ अपना अपना काम करने के लिए आते हैं, करवाने वाले वो हैं, वहां से सारा yes. का सारा फ्लो होता हुआ एनर्जी का सबके भीतर जाता है। देखने जाएं yes. तो हम सब ऊर्जा ही हैं, आत्मा यानी ऊर्जा ऊर्जा ही है। yes, ये शरीर हमने एक आवरण है जो ओढ़ के रखा है और इसकी सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि यहाँ पे जो भी लेसन हमको लेने हैं, जो भी कुछ हमें सीखना है धरती पे पाठशाला में, जो भी कुछ सीखना चाहते हो वहां पे ये हमारा साधन है। yes, समझो sir. आपको एक गाड़ी है, गाड़ी में बैठ करके आपको जाना है। अगर गाड़ी के टायर में एक भी ट्यूब खराब होगी तो गाड़ी चलेगी yes, नहीं, गाड़ी में ईंधन नहीं हुआ तो गाड़ी चलेगी नहीं। और अगर yes, गाड़ी sir. को चलाने वाला चालक यानी के अंदर जो हमारे परमात्मा का स्वरूप भगवत स्वरूप नहीं होगा तो समझ लो गाड़ी का कुछ होने वाला ही नहीं है। नथिंग नोबडी विल बी मूविंग एज सच। तो yeah. आज का कार्यक्रम मैं शुरू करता हूँ। आप लोगों को आज मैं एक ऐसी बात से अवगत कराऊंगा जो आपकी जिंदगी को बहुत ही अच्छा बना सकती है। हम सब जानते yes, हैं sir. निरोगी काया सबसे पहला सुख है।
सबसे पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया, यस। और हमारे शरीर के भीतर अगर कहीं पे भी कोई कूड़ा करकट कोई भी गंदगी है तो वो माध्यम बनता है हमारी बीमारी का। यस। हमारी बीमारी का मेन अगर कोई जड़ में जाकर के देखेगा, कभी आपका गला खराब हो, कभी आपके घुटने में दर्द हो रहा हो या किडनी में दर्द हो रहा हो या कहीं पे कोई भी छींक आ गई, गला खराब हो गया, जुकाम हो गया, कुछ भी, जब आपको कोई भी बीमारी का ऑनसेट होता है तो आप प्राय पाएंगे आपका पेट जरूर कब्जियात से जकड़ा होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको कुछ दिन से चल रही होगी, क्योंकि ये जड़ में है। ये इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, खाली इसका सिम्टम होता है, बाकी ऐसा जिसका कोई बीमारी का नाम नहीं है। ये कब्जियात बीमारियों की जननी है। ये छोटी से लेके बड़ी तक की बीमारियों को जन्म देती है, उनकी जननी है। खाली इसका सिम्टम होता है कि पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, किसी को सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, लेकिन शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं पे पेट से संबंधित रोग 90% से ज्यादा हैं। यस सर, राइट। और हमारे जो मैं लेक्चर लेता हूं उसमें मैं जब आप लोगों के साथ में बातचीत करता हूं तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये कोई सत्संग जैसा बने, मैं तो हमेशा यही चाहता हूं कि ये एक इंटरएक्टिव सेशन बने, आप और मैं एक दूसरे से जुड़ जाएं। आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो बहुत बेहतर होगा अगर आप अपनी खिड़कियां और दरवाजे खोल सकें। खिड़कियां और दरवाजे खोल लेंगे तो मैं भी आपको देख पाऊंगा जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं। और सर जब एक मैं बात खोल तो बोलूंगी, हाँ जी गुजरात टीम पे जो भी मास्टर्स को आप बुलाते हैं वो हमारी टीम से बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारी टीम पूरा फायदा उठाती है। जो भी मन में सवाल उठते हैं वो जरूर करते हैं, तो सारे गुजरात के जो भी मास्टर्स गुजरात में आते हैं वो सब हमारी टीम से बहुत खुश हैं। उनको बड़ा मजा आता है हमारी टीम के साथ सर। यस दैट इज ट्रू। और यस होना सर, भी चाहिए ना, क्योंकि जहां यस तक कि यस व्यूअर्स को नहीं समझ पाएगा, जो बोलने वाला वक्ता होता है उसको पता ही नहीं चलता कि बाकी लोग सुन रहे थे कि सो रहे थे। यस जब वहां से सवाल आने शुरू होते हैं तो पता चलता है कि नहीं, सब लोग सुन रहे थे और कामयाब रहा, लोगों तक बात पहुंच पाई। तो जैसा कि सर, मैंने आपसे पहले ही कहा, आप अपनी खिड़की दरवाजे खुले रखें, अपने हाथ अपने चैट पे बना करके रखें, क्योंकि मैं आपसे सवाल डालता हूं और उसका जवाब आपको देना जरूरी है। आप जवाब देंगे तो कहानी आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी और हम जानकारी करेंगे, हम रिसर्च करेंगे आज अच्छे से, आप और मैं मिलकर के। रिसर्च का जो मुद्दा है वो ये, यू आर योर बेस्ट डॉक्टर। आपसे ज्यादा अच्छा आपके बारे में और कोई नहीं जानता है। ये यस मेरी, ये सर, मैं सब लोगों से बता रहा हूं, आप इस बात को जरूर बांध के रखें। और आज क्योंकि कब्जियात के बारे में बातचीत चल रही है तो मैं आपको दो बहुत ही अच्छी रेसिपीज भी दूंगा जिससे आप घर बैठे आनंद के साथ में अपनी कब्जियात को दूर कर सकते हैं, बहुत ही साधारण तरीके से, लेकिन वो मैं आपको एंड में दूंगा। पहले तो आपसे सवाल पूछूंगा, आप लोग तैयार हो जाएं, ध्यान से सुने। कब्जियत होने का क्या कारण होता है? आप अपने जवाब टाइप करना शुरू करें। आप क्या समझते हैं कब्जियत क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉन्स्टिपेशन? जुगल भाई कह रहे हैं ओवर ईटिंग, इनडाइजेशन। वर्षा जी कह रहे हैं लैक ऑफ वाटर। रचना आहूजा जी अननेसेसरी ईटिंग। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह वर्मा जी अनियमित खान पान। टाइम, बे टाइम खाना। चारुमती जी कह रही हैं लेस अमाउंट ऑफ वाटर इनपुट इन द बॉडी। ओके। गौरव सिंह जी इंटेस्टाइन लोडेड विद ओल्ड स्टफ, पुराना ही अंदर बहुत भर भर के रखा है। ओके। okay. मन में बात दबा रखना, सुनीता जी। ओ वाह। डॉक्टर धर्मेंद्र, भोजन में सब्जियों व फलों की कमी।
ओके, सब्जी कम खाएंगे, हेल्दी फूड कम खाएंगे, तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आएगी। ओवर ईटिंग, सरमुती चिट्टी, लेस फाइबर फूड, दिव्या पोरेचा, एज मच एज पॉसिबल ईट रॉ फूड, कच्चा खाएं, ओके। नम्रता जी कह रही है टेंशन है, टेंशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है बॉडी के अंदर में। नितिन भौमिक, ओवर ईटिंग, ज्यादा खाते हैं, जितना नहीं चाहिए उससे ज्यादा खा लेते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र, भोजन में मैदा, फास्ट फूड, ओके। मीना जी आप तो अपना मोबाइल घुमाएं क्योंकि आप, यस दिस इज फाइन। तो चलिए, आपने बहुत कुछ बताया और लगभग लगभग आपने जितने भी कारण बताए मैंने रिपीट भी किए, फास्ट फूड, नॉट च्यूइंग द फूड प्रॉपरली, ये सभी कारण सही हैं। ये जितने भी कारण आपने बताए ये सभी कारण बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन क्योंकि हम सब आध्यात्मिक हैं, हम लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और हम लोग सभी लोग स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं, और मैं चाहूंगा कि एक आपको बात मैं और बता दूं, जो बातें आपने पेश की उसमें जो बात नहीं आ पाई वो ये है कि कहीं ना कहीं पे जो लोग अपने पुरानी विचारधारा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, पुरानी सोच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अंदर उस पुरानी सोच को पकड़ के बैठे हैं कि नहीं ये तो मैं नहीं बदलूंगा, तो जो आपके यहां आपने पकड़ के रखा है, जो ब्रेन आपका यहां काम कर रहा है, वो हर एक सेल के भीतर भी आपके एक छोटा सा ब्रेन होता है, जो मास्टर ब्रेन कहता है वो हर एक छोटे छोटे सेल्स भी वैसा ही रिस्पॉन्ड बैक करते हैं, हर एक स्मॉल स्मॉल सेल के भीतर भी एक उसकी खुद की क्षमता है, उसके अंदर बुद्धि है, और वो क्या बोलता है, मास्टर ब्रेन क्या कह रहा है, हम पुराने को नहीं छोड़ेंगे, पकड़ के रखेंगे। और फिर क्या होता है, आप माल डालते हैं बढ़िया बढ़िया और वो अंदर से पकड़ लेता है, इंटेस्टाइन्स का जो पार्ट है वो उसको रोक लेता है, ऐसे नहीं जाने दूंगा, मास्टर ब्रेन ने कहा है मैं पुराने को नहीं जाने दूंगा, मैं पकड़ के रखूंगा। तो क्या करना चाहिए, आपने जवाब टाइप करना शुरू करें। सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए आध्यात्मिक इंसान को, टाइप करें अपने जवाब ताकि मैं देखूं आपको क्या बात समझ में आई। ध्यान करते हैं लेकिन विचारधारा बदलने के लिए तैयार नहीं है, कॉन्स्टिपेशन वैसी की वैसी बनी हुई है, क्या करना चाहिए, लेट गो, जसप्रीत जी का कहना है, गुड। सिमरन जी, लेट गो, ओके। दिव्या पुरेचा, फ्लो विद द लाइफ, जिंदगी के साथ में उड़ान भरें, मिताहार लीजिए। नितिन भौमिक, वेरी नाइस। लेट गो ओल्ड थॉट्स, कुणाल मेहता, बिल्कुल सरल है, पुराने विचारों को छोड़ दो, जाने दो, नई विचारधारा को आने दो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम सभी लोग हैं तो ऊर्जा ही, और यहाँ पे सोल जर्नी पे आए हैं, कहीं ना कहीं पे अगर कोई चीज हमें परेशानी दे रही है तो उसमें कुछ सीखने का तो है। जब भी कोई भी चीज, कोई दुख जीवन में आए तो समझ लेना कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो गिफ्ट मिलेगा, हमें अपने विचारों पे काम करने की जरूरत है। जसप्रीत जी कह रही है बिलीफ सिस्टम चेंज, भूषण जी कह रहे हैं कम खाएं गम खाएं, ओके। चंदा गुप्ता जी, रिलैक्स, रिलीज फॉर फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, ओके। तो देखिए, एक मोटा मोटी बात समझ लें, आप अपना लेसन जरूर सीखें, जब भी आप ध्यान करते हैं तो जानकारी कर लें कि ध्यान करना कोई मैकेनिकल सेट ऑफ थिंग्स नहीं है, आप अपने आप को पूरा खाली कर दें, अंदर जितना पुराना भरा हुआ सिस्टम है, कुछ लोगों ने कहा टाइम बे टाइम खाना, टाइम पे खाना जो देख करके खाते हैं उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होती है, आपको ये जानकारी करके बड़ा अचरज होगा, क्योंकि उनको भूख नहीं होती है लेकिन टाइम खाने का हो जाता है, दो बज गए
अरे खाना नहीं आया, भूख लग गई है। अरे भूख लगी है कि नहीं लगी कैसे मालूम, समय हो गया ना, 2 बज गया, रात का 8 बज गया, अब तक खाना क्यों नहीं मिल रहा है, सुबह का 9 बज गया, ब्रेकफास्ट कहाँ है। तो जो लोग घड़ी देख के खाना खाते हैं वो घड़ी देख करके खाना बंद कर दें। खाली एक चीज ध्यान करें, आपको अपने भीतर विचारों को बदलना है। भूख लगे तो जरूर खाएं, भूख ना लगे तो बिल्कुल ना खाएं। अगर कोई पंडित भी आपको बोले, कोई डॉक्टर भी आपको बोले, तो उस चीज को नकार दें। अपना रिसर्च करके देखें, एक बार घड़ी से खाना बंद कर दें। कभी एक दिन 1 बजे खाएं, एक बार 2 बजे खाएं, कभी 12 बजे खाएं, कभी 3 बजे खाएं, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक अपने आप टूट जाएगा। और फिर जब भूख होगी तभी खाने को मन करेगा, जब भूख ना हो तो मत खाएं, बिल्कुल ना खाएं। बिना भूख के खाना खाने से खाना पचता नहीं है। नए विचारों को अपनाएं, पानी कम पीना, शोभा बक्शानी जी कह रही हैं, चारुमती जी कह रहे हैं, वी हैव टू व्हेन वी आर हंग्री, वी शुड ईट व्हेन वी आर हंग्री। यस, तो हमने आपके पास आपको आज जो शुरुआत की उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी है। अब कुछ ऐसी चीजें जो हमारी आममर्रा की लाइफ में हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मामला कॉन्स्टिपेशन का है। काफी सारे लोगों ने बताया पानी की कमी, पानी का कहीं ना कहीं पे कम बॉडी में पहुंचना इस चीज का कारण बनता है। स्टूल हार्ड हो जाता है, हम पेट को खारिज नहीं कर पाते हैं, जोर लगाने पे भी पेट साफ नहीं होता है, और प्रॉब्लम जो है उससे जर्मिनेट होनी शुरू होती है। अच्छा, अब इसका उपचार भी आप लोग पहले बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों की पहले सुन लूं, आप क्या करेंगे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आप इसका इलाज कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे। रिसर्च का मामला है, इसको छोटी सी बात मत समझना। मैं आज आपके साथ में सारा खुलासा करूंगा, लेकिन पहले मैं आपका व्यू पॉइंट देख लूं, आप क्या करेंगे। कॉन्स्टिपेशन है तो क्या करेंगे। इंदर सिंह जी कह रहे हैं सलाद खाएंगे, कुणाल जी कह रहे हैं पानी पिएंगे, हेल्दी फूड लेंगे, स्पाइसी कम खाएंगे, पानी ज्यादा लेंगे, वर्षा जी कह रहे हैं, रचना जी कह रहे हैं वमन और एनीमा कर लेंगे। बहुत बढ़िया, तो इन्होंने हमारे पुराने एपिसोड जरूर देखे हैं। ओके जुगल जी डाइट, हाँ हेमा जी, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ डाल दिया। ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंट विद फूड एंड थॉट्स, हरी सब्जियां, सैलेड, लिक्विड, 16 आवर्स की फास्टिंग ताकि पेट साफ हो सके, समय देंगे डाइजेशन को, ड्रिंक प्लेंटी, ईट फ्रूट्स हाई फाइबर, ओके, अजवाइन खाएंगे, लिक्विड ज्यादा लेंगे। ओके, आप में से कोई लेग्जिटिव तो नहीं लेता है, लेग्जिटिव कोई चूरन या कोई लिक्विड या वो क्या होता है, त्रिफला त्रिफला। ओके, इसबगोल, ओके, खाना बंद करेंगे, वेरी गुड, टाइम का ध्यान, मसाले कम खाएं, फास्टिंग कर लेंगे, टाइम का ध्यान करना बंद कर दें, टाइम का ध्यान ना करें, क्योंकि टाइम से खाना खाने वाले लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। फास्टिंग कर लेंगे, योग करेंगे, वेरी नाइस, योग करेंगे इज गुड। योग से मतलब ये मुझे लग रहा है आसन के बारे में बात कर रहे होंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करने से भी काफी फर्क पड़ जाता है। तो चाहिए, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना शुरू करता हूं कि क्या करना चाहिए। रात को त्रिफला ले लेंगे, वॉकिंग, ओके, जल्दी सो जाएं, जल्दी सो जाएंगे तो सुबह में जल्दी से काम बन जाएगा, टाइम मिल जाएगा पाचन करने के लिए। वासन एंडी राने, व्हाट इज दैट। चलिए देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपको कहीं पे आपके पेट के अंदर में जाम हो गया है, तो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं लोगों का इस्तेमाल करना रहता है लेग्जिटिव। तो ये लेग्जिटिव्स अलग अलग टाइप के, एलोपैथिक भी मिलते हैं और
आयुर्वेदिक भी बहुत ज्यादा आज मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे चूर्ण हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो रात को एक ठाकी ले ली, पानी पी लिया, अगले दिन सुबह में साफ। तो आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि जो आप ठाकी लेते हैं, जो आप लेग्जिटिव लेते हैं, दरअसल में वो लेग्जिटिव आपके पेट को साफ नहीं करता है, उल्टा होता है। आपका पेट उस लेग्जिटिव को साफ करता है, क्योंकि वो जो लेग्जिटिव आपने लिया वो कभी भी चोषण नहीं होता है, वो हमारे सिस्टम की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसी चीजों से बनाया जाता है जो हमारी बॉडी की जरूरत में नहीं है। तो जब हम लेग्जिटिव को मुंह में भी रखते हैं तो उसको खट्टा मीठा स्वरूप बदल के उसको लिया जाता है, या तो खट्टा बनाएंगे उसको, या तो मीठा बनाएंगे, या तो खट्टा मीठा बनाएंगे, ताकि किसी तरह से ये हमारे आमाशय से नीचे उतर जाए भूल में। और एक बार जब वो आमाशय से नीचे उतर गया तो फिर वो आमाशय से नीचे उतर के जब मलाशय की तरफ बढ़ता है तो मलाशय बोलता है, अरे ये क्या फेंक दिया, ये तो काम का नहीं है, इसको नहीं लेना है, इसको बाहर फेंको। अब उसको जब वो आगे सरकाता है, फेंको फेंको फेंको, बाहर निकालो बाहर निकालो, तो जो आगे पड़ी हुई चीजें थी उनको भी वो सुबह में बाहर निकाल देता है। तो दिस इज अवे। लेकिन होता क्या है, जब आप लेग्जिटिव लेते रहते हैं तो अंदर परत जम जाती है हमारे इंटेस्टाइन्स के। तो समझो पहले दिन अगर वो आधी चम्मच से काम हो रहा था, फिर कुछ समय बाद एक चम्मच भी कम पड़ता है, और आगे चल के साल भर में तो 2-3 चम्मच खाने पे भी असर दिखना बंद हो जाता है। तो लेग्जिटिव इसका कोई रास्ता नहीं है। इसका रास्ता हम लोगों को, क्योंकि पानी की समस्या, बॉडी में पानी की कमी है, स्टूल हार्ड हो गया है, तो पानी से हम सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। मैं आप सभी लोगों के लिए एक पीपीटी ऑन करने लगा हूँ, मुझे खाली आप 1-2 मिनट का टाइम दें, मैं पीपीटी ऑन कर लेता हूँ, ताकि आप सभी लोगों के साथ में मैं अच्छी तरह से आज जानकारी आपको दे सकूं कि क्या ट्रीटमेंट हम लोगों को करना है। शोभा जी, क्वेश्चन आंसर आफ्टर 10:30 करेंगे, प्लीज वेट कीजिए। तो देखिए, जहां तक के पानी की बात है तो हाइड्रोथेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी, क्योंकि ये आपकी बॉडी में पानी की वजह से, कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। अब ये पानी का क्या तरीका होता है ये आप समझ लीजिए। आपके घर में एक टब पड़ा हुआ है जिसमें आप पानी भरते हैं नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, थोड़ा सा चौड़ा हो वो टब जिसमें आप बैठ सकें, उसमें आप पानी भर लें। आजकल गर्मी का मौसम है तो ये गर्मियों में ये सिस्टम आपको बहुत हेल्प करेगा। पानी भर लें और उसमें नाभि तक पानी आ जाए इतना उसमें पानी रखें, और उसमें 20 मिनट के लिए बैठ जाएं सुबह में और शाम में। बच्चों को तो बहुत मजा आता है, वो हाथ भी हिलाते रहते हैं पानी में, खेलते रहते हैं, ठंडक लगती है। जब ये आप इसको हम लोग कोल्ड हिप बाथ कहते हैं, पानी जब आपके हिप्स में और आपके आंतों की तरफ में जाता है, लगता है, तो वहां की ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। बाहर से स्पर्श दिया और भीतर कितना इम्प्रूवमेंट हो जाता है, इसकी जानकारी तो जब आप करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। हाँ, कुछ समय आपको इसे करता रहना पड़ेगा, हफ्ता भर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके नजर आने लगेंगे, विदाउट पुटिंग एनीथिंग इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड ओनली। ये तो हुआ पहला। और जो आखिर में देखेंगे, कोल्ड एब्डोमन पैक। आपके घर में एक टॉवल, जिसे हम हैंड टॉवल कहते हैं, थोड़ा मोटा वाला हैंड टॉवल पड़ा हुआ होगा, उसको आप ठंडे पानी में, फ्रिज का पानी ना लें, इतना ठंडा नहीं चाहिए, ठंडे पानी से मेरा मतलब जो आपके मटके का ठंडा पानी है उसमें आप इस टॉवल को भिगो लें और इसे अपने पेट पे लगा लें, खास करके आपके नाभि के पोर्शन के ऊपर और नीचे 4-4 उंगली, और उसे वहां पे रखें। ठंडी पानी की पट्टी जो है ये जादू का काम करती है, पेट में आपके तेजी से ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है,
आपके पाचन की क्रिया को बहुत दुरुस्त कर देती है। ये ज्यादा लाभकारी होता है जब हम खाना खा लें उसके बाद इस पट्टी को लगाएं, खास करके सुबह का ब्रेकफास्ट या लंच करने के बाद, और रात को खाना खाने के बाद में आराम से लेट जाएं और पेट पे पट्टी लगा लें आधे घंटे के लिए। यू विल फील सो रिलैक्स्ड एंड हैप्पी एंड योर बॉवल्स विल मूव इन द बेस्ट पॉसिबल वे द नेक्स्ट मॉर्निंग। ये सबसे ही आसान तरीका है। अच्छा चलिए एक और तरीका बता देता हूँ, जो सेकंड आप देख रहे हैं, ल्यूक वार्म वाटर एनीमा ट्वाइस डेली। आपको मैंने पहले भी बताया, हमारे घर में ज्यादा करके हम लोग एक एनीमा का डब्बा रखते हैं ताकि हम अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसका प्रयोग कर सकें। एनीमा को, एनीमा पॉट के अंदर में आप ल्यूक वार्म मतलब थोड़ा गुनगुना पानी उसमें डाल दीजिए और उसे 3-4 फुट ऊपर आप अपने जो आपका सीट है, टॉयलेट सीट है, उसके ऊपर लगा लें। एनीमा का जो पॉट है उसके आगे पाइप रहती है जिसमें से पानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ग्रेविटी की वजह से नीचे उतरने लगेगा। 4 फुट नीचे जब वो पानी उतरेगा तो पाइप में से बाहर आने लगेगा। पाइप में नलका होता है, नलके को बंद कर दें, कोकोनट ऑयल लगा करके चिकना कर लें थोड़ा उसका आगे का पोर्शन, और उसे आप अपने एनस के भाग में, गुदा मार्ग में लगा दें ताकि पानी चालू करने पे आपकी आंतों में वो पानी जाने लगे। अंदर जब पानी जाएगा 250 ml, 300 ml, 400 ml, आपको प्रेशर लगने लगेगा। आप टैप को बंद कर दें, एनीमा को साफ करके रख दें 2 मिनट, 5 मिनट, जहां तक आप रोक सकें पानी को अपने भीतर। दैट विल बी वेरी नाइस, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा करके लोग जानते हैं कि सफाई जो है वो पानी से बहुत बेहतर होती है। बहुत बेहतर इसलिए मैं कह रहा हूँ, खास करके लेडीज, और कोई जाने या ना जाने, लेडीज इस बारे में अच्छे से जानकारी रखती हैं। रात को रसोई हो गई, खाना बना लिया, उसके बाद में जिस बर्तन में खाना पकाया था और कुछ हो या ना हो, उसमें जो चिपका है उसको साफ करने के लिए वो खाली उसमें पानी रख के रात को छोड़ देती हैं। खाली उसमें पानी भर के रख दिया, वो सुबह में अपने आप से साफ हो जाता है, बहुत इजीली साफ हो जाता है। गर्म पानी क्यों चाहिए होता है? आप बहुत काम करके आए, बहुत कॉलर आपने मैला कर दिया, या आपके घर में जो पर्दे लगे हैं बहुत पुराने हो गए, बहुत गंदे हो गए, तो गर्म पानी से मैल निकालने का काम बहुत अच्छी से होता है। तो कहीं पे हमारे अगर कॉन्स्टिपेशन है और पेट साफ नहीं हो रहा है तो अंदर जो जमा हुआ मल है उसे निकालने में गर्म पानी ज्यादा सहायता करता है। हमारी आंतें एक्सपेंड करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, और अंदर से बाहर निकालने के लिए हमें काफी अच्छा सुचारू रूप से इसका हम लोग काम कर पाते हैं। तो ये तो हुआ सिंपल सा तरीका जो हाइड्रोथेरेपी के, उससे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने आप को क्लियर कर जाएंगे जस्ट बाय यूजिंग अ हाइड्रोथेरेपी। अब हम देखेंगे कि और क्या क्या तरीके हैं हम अपने आंतों को साफ करें उसके लिए। तो जो आपका एब्डोमन का पार्ट है, जो आपका पेट है, आप उसको मसाज करते हैं तो उससे अंदर उसकी मूवमेंट बढ़ती है। इन शॉर्ट, अगर ब्लड सर्कुलेशन आप इंप्रूव करेंगे, सीधा सा टॉवल लगा करके भी कर सकते हैं, जिसको हमने थोड़ा गीला किया, ठंडा लिया पानी, 5 मिनट बाद वो पानी जो ठंडा था वो गर्म हो जाता है पेट पे लगाने के बाद में, आप उसको वापस से ठंडे पानी में लगा करके फिर से पेट पे लगाएं ताकि वो ठंडक जो है वो आपको फायदा पहुंचाने वाली है। वैसे ही जो मसाज हम करते हैं, ऑयल का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा नहीं है। जो ऑयल आपके घर में आप यूज करना चाहें वो ले सकते हैं। मसाज एंटी क्लॉकवाइज पेट पे अर्ध चक्र, आप अगर आपकी लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ और फिर ऊपर से घुमा करके नीचे की ओर ले जाएंगे। इस तरह से आप अगर अपने पेट का मसाज करेंगे तो ये काफी आपको फायदा पहुंचाएगा। मड पैक मार्केट में रेडी भी अवेलेबल है, और मड पैक आप खुद भी बना सकते हैं। जो मिट्टी आपके घर के पास में मिलती है उसमें करीब 2 फुट नीचे, 2 फुट नीचे आप उसको थोड़ा सा खोद लें, वहां से चिकनी मिट्टी निकाल करके उसमें से कंकर निकाल दें,
उस मिट्टी को रात को गमले में रख के उसमें थोड़ा पानी मिला दें और सुबह में किसी किसी लकड़ी से या किसी चीज से उसको पेट पे लगा दें। पट्टी बना के लगाना हो तो पट्टी लगा दें, पट्टी में मिट्टी भर दें, वो भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा मिट्टी का लेपन भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मिट्टी क्या करेगी? तो मिट्टी जो है ये कार्बन को आपके भीतर से चूस लेती है। आपने ऊपर लगाया, अंदर जो आपके कार्बन थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको बहुत समय से चल रही थी, उस कार्बन को मिट्टी ऊपर खींच लेगी, उसको हटा देगी, उन टॉक्सिन्स को वहां से निकाल लेगी, चोषण कर लेगी। 3-4 दिन भी अगर आपने कर लिया ये, तो ये आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिखाएगा। दिस हैज टू बी अप्लाइड फॉर सम टाइम, आधा घंटा लगा करके रखना पड़ता है इसको भी, जिसमें ये सूख जाएगा और फिर मिट्टी को आप हटा करके फेंक दें। उस मिट्टी को दोबारा इस्तेमाल ना करें जो मिट्टी एक बार आपने लगा दी, क्योंकि उसमें जो आपके शरीर से टॉक्सिन्स थे वो मिक्स हो जाते हैं। उसे वापस धूप में फेंक दें, ताकि धूप प्रकाश पड़ने से 10 दिन में वो मिट्टी फिर से स्वच्छ हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो कि बिल्कुल नेचुरल है। और अब जो आप चाहते थे कुछ, उसके बारे में मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको पता चले कि क्या करना है। डाइट में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है ये है अदरक, नींबू और शहद गर्म पानी में, क्योंकि ज्यादा करके लोगों को चाय या कुछ गर्म पीने की आदत है सुबह सुबह में। तो सबसे अच्छा है कि आप सुबह और शाम गर्म पानी के अंदर में अदरक को खौला लें, जैसा आप चाय बनाने के लिए करते हैं, लेकिन चाय ना लें, उसकी जगह पे उसको छान के उसमें नींबू मिला लें और हनी मिला लें। ये खट्टा मीठा ड्रिंक बन गया जिसमें अदरक भी है। अदरक आपकी बॉडी के त्रिदोषों को नाश करता है। नींबू जो है वो सफाई का बहुत अच्छा एजेंट है। एडवर्टीजमेंट आता है, जाहिरात आती है, नींबू सी सफाई। हम और कुछ सीखें या ना सीखें, इतना जरूर सीखें कि सफाई नींबू बहुत अच्छी करता है। और एक बात नींबू के बारे में, ये सिट्रस है। लोगों को लगता है कि इससे दर्दें हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमाशय में जाने के बाद में ये हाईली एल्कलाइन हो जाता है, हाईली एल्कलाइन, हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। आपके बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए बहुत ही बढ़िया काम ये जिंजर लेमन हनी इन हॉट वाटर करेगा। दूसरी चीज, आप अगर बादाम, रेजिंस यानी किशमिश, अंजीर, अखरोट और खजूर को भिगो दें रात को और इसका अगले दिन आप सुबह में शेक बना लें, तो ये बहुत बढ़िया है। ये रेसिपी मैं आपको जाने से पहले जरूर दूंगा कि कैसे इसे बनाना है, क्या इसका तरीका है। और ये आप और आपके घर में हर किसी को बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद आता है। ओनली थिंग इज यू शुड बी एबल टू अफोर्ड इट। ये पेट को बहुत बढ़िया तरीके से साफ कर जाता है। इट्स वेरी इजी टू मेक और बहुत ही डिलिशियस भी है और साथ में हेल्दी भी है। और हम लोग ने पहले भी आइडियल डाइट में लास्ट टाइम जो मिले थे तो हमने चर्चा किया था, हमें रॉ फ्रेश फ्रूट्स लेने चाहिए। रॉ ताजे फल, ताजे सलाद, ये हमारा लंच होना चाहिए। स्प्राउट्स, हाँ आप लोगों ने भी काफी लोगों ने बताया, हमें स्प्राउट्स बनाने चाहिए मूंग के। मूंग इसलिए लिया है क्योंकि मूंग जो है वो क्षारीय धर्म का है। मूंग को जब हम भिगोते हैं तो उसमें एसिड पूरा निकल जाता है और ये पूरा का पूरा हाईली अल्कलाइन हो जाता है। अल्कलाइन विल प्रमोट हेल्थ इन द बॉडी और ये हमारी कॉन्स्टिपेशन को हटाने के लिए बहुत अच्छा है। यूं तो सभी ताजे फल और ताजे सलाद हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं इनमें, लेकिन पपाया बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की कुछ तकलीफ चल रही है तो पपाया का आप इस्तेमाल जरूर करें। तो ये तो बात हुई कि हम डाइट में क्या क्या यूज करें। और साथ साथ में हम हरी पत्तियों का जूस और हरी पत्तियों की चटनी,
देखिए, हरी पत्तियों का जूस तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप 11 बजे आसपास या जब भी आपका 14 आवर्स का रात का आपका टाइम हो जाता है, तो आप इसका हरी पत्तियों का जूस, जैसे धनिया है, पुदीना है, पालक है, बेल की पत्ती है, सरगवे की पत्ती है, इमली की पत्ती है और सरसों की पत्ती है, जो खाने की पत्तियां हैं, तांदलजा की भाजी है, आप सब पत्तियों को इकट्ठा कर लें, करीब 100 ग्राम, और एक इंसान के लिए 100 ग्राम्स, और इसे मिक्सर में चला करके इसका जूस बना लें। इसमें आप कोई सब्जी मिला सकते हैं, जैसे कि खीरा मिला दिया, किसी दिन इसमें टमाटर मिला दिया, किसी दिन इसमें लौकी मिला दिया, तो ये फ्लेवर बदलता जाएगा। इसमें ही आप किसी दिन फ्रूट भी मिला सकते हैं। आजकल देखें कितना बढ़िया, आप देखेंगे तरबूज आ रहा है, और तरबूज मिला देंगे तो तरबूज फ्लेवर बन जाएगा, संतरा मिला देंगे तो संतरा का फ्लेवर बन जाएगा, किसी दिन इसमें ग्रेप्स मिला दें, तो आप बदल बदल के इसका टेस्ट ऑल्टर करते रहें। पत्तियों में एक खास बात है कि पत्तियां लेक्सिटिव का भी काम करती हैं, लेकिन साथ साथ में आपको बहुत सारा मिनरल्स का खजाना मिल जाता है आपके शरीर में, और इम्यूनिटी को भी साथ साथ में बिल्ड करती हैं। पत्तियों में रफेज बहुत है, तो वो रफेज तो क्योंकि हम जब जूस बनाते हैं तो उस टाइम पे छान लेते हैं हम उसको, आप चटनी भी बनाएं, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा है वो चटनी जरूर खाएं, क्योंकि ये रफेज भी साथ में आपको मिलेगा। उसमें मिर्च कम डालें, मिर्ची ज्यादा ना डालें, ताकि आप एक कटोरी भर के एक वाटकी बना करके आप सुबह में और शाम में चटनी ले सकें। अब आपको याद आएगा कि हाँ, हमारे दादा परदादा क्यों चटनी बनाया करते थे, रोज दिन में भी और रात को भी, धनिए की, पुदीने की, सिलवट्टे पे पीस पीस के। उन दिनों में तो मिक्सर भी नहीं होता था, तब चटनियां बना करती थी और रोज सुबह शाम बना करके लिया जाता था, क्योंकि ये हमारे पेट पे बहुत बढ़िया प्रभाव डालती हैं। सिट्रस जूसेस, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, जितने भी संतरे, मौसमी, ग्रेप्स या जूसेस बनाने के लिए, या इवन आप अगर देखेंगे पाइनएप्पल जूस भी सिट्रस होता है, इवन आपका जो नींबू है वो भी सिट्रस है, तो ये और कुछ इसमें मिले या ना मिले, लेकिन सफाई अच्छे करते हैं, तो आप ये जूसेस का सेवन कर सकते हैं। और रात को जब आप खाना अपना लेते हैं, खाना जो आप खाते हैं कुक्ड फूड, उसमें 70% जो है वेजिटेबल्स, कहने में आता है सब्जी भगाए कब्जी, तो आप जितनी ज्यादा सब्जियां लेंगे उतनी ही आपकी कब्जियात को निकालने में ये काम कर जाएगी, क्योंकि उसमें रफेज भी मिलेगा, उसमें आपकी बॉडी को अल्कलिनिटी भी मिलेगी। तो ये हुआ कुछ आपके खाने पीने का सिस्टम। अब हम आगे जानकारी करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए है। सुबह में आपको थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेना चाहिए, पूरी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा हाथ को हिला लें, थोड़ा पैरों को हिला लें, गर्दन को हिला लें, कंधों को हिला लें, और कर सकें तो थोड़े आसन कर लें। ताड़ आसन सबसे बेस्ट गिना गया है। उठते ही सुबह में हाथ को ऊपर की तरफ खींचना है और अपने पंजों पे खड़े हो जाना है, इसे ताड़ासन कहते हैं। ताड़ासन बहुत अच्छी एक्सीलेंट एक्सरसाइज है, कॉन्स्टिपेशन को हटा देती है, बॉवल्स को ठीक कर देती है। त्रिकोण आसन, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे त्रिकोण आसन का बताया है। यूं तो ये सभी चीजें आप जानते होंगे, लेकिन एक बार रिवाइज हो जाएगा। पवन मुक्त आसन लेट करके किया जाता है, जैसा कि आप पढ़ ही रहे हैं, पवन मुक्त यानी कि गैसेस को निकालने में काम करता है, और पेट में क्योंकि आपके बहुत सारी ब्लड सर्कुलेशन की इम्प्रूवमेंट होती है, तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन से निजात दिलाता है। भुजंग आसन उल्टे लेट करके करने वाली प्रक्रिया है। आप ये सभी आसन को पढ़ सकते हैं, आपके पास अगर कोई आसन की किताब हो, नहीं तो गूगल पे आपको सब मिल जाएगा। वज्र आसन खास करके खाना खाने के बाद में किया जाता है, क्योंकि इससे आप पैरों को बांध के उनके ऊपर बैठ जाते हैं, जिससे पेट में आपके ब्लड रुकना, ब्लड जो है ज्यादा काम आपके पेट में कर पाता है और आपका पाचन का क्रिया बेटर हो जाता है। तो ये कुछ आसन आपको मैंने बताया जो आप कर सकते हैं आपकी कॉन्स्टिपेशन को हटाने के लिए। और मेडिटेशन,
अब आपको ये जानकर के बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप अपने आप को ये गिफ्ट दे रहे हैं मेडिटेशन का, ये आपकी एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। हमारी जो एथीरियल बॉडी है, जो एनर्जी बॉडी है, हमारे कार्मिक जो बैलेंसेस हैं, वो कहीं ना कहीं पे हमारी एनर्जी बॉडी में ब्लॉकेजेस को पैदा करते हैं। अगर ये ब्लॉकेज आपके कहीं पे मणिपुर चक्र के आसपास हुआ है, तो फिर डेफिनेटली आपको पेट की प्रॉब्लम बनी रहेगी। और इसका सबसे इजी और सबसे सरलतम तरीका है मणिपुर चक्र तक आप ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को पहुंचा सकें। और वो सो करके आप नहीं ले पाएंगे इतनी ऊर्जा को, क्योंकि सोते समय हमारा आकार कुछ इस तरह से हो जाता है, तो अंदर हम पूरी तरह से एनर्जी को नहीं भर पाते हैं। जब मेडिटेशन हम करते हैं तो हम सिटिंग पोज में होते हैं, हमारी स्पाइन सीधी होती है, हमारे भीतर बहुत सारी ऊर्जा प्रवेश होती है और पूरा भर दिया जाता है। तो कहीं पे अगर एनर्जी का ब्लॉकेज है, कहने का मतलब आपका जो जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, जो आपका आमाशय है, अगर वहां पे प्रॉपर वे में एनर्जी नहीं पहुंच रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे एनर्जी का ब्लॉकेज है, तो अपच तो होगी ही। कहने का मतलब आपके पास जूसर मिक्सर ग्राइंडर आपके घर में पड़ा है और उसमें 220 या 230 वोल्ट की ऊर्जा न जा करके अगर खाली 120 वोल्ट की एनर्जी जाएगी तो क्या होगा? तो दैट मींस कहीं ना कहीं पे एनर्जी को बढ़ाने की जरूरत है। एनर्जी ठीक करेंगे, वहां के ब्लॉकेज निकल जाएंगे और आपका देखेंगे पाचन का क्रिया बेटर होता चला जाएगा। और इसके साथ साथ में आपको मेडिटेशन जब करें तो एफर्मेशन जरूर दें, अपने पुराने विचारों को छोड़ दें, विचार मत करते रहें, क्योंकि विचारों को छोड़ना एक सबसे बड़ी उपलब्धि है मेडिटेशन की। तो ये भी काम आपका सरलतम तरीके से और सहज तरीके से हो जाएगा। कंडीशन खाली इतना रखें, जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट का ध्यान आप जरूर करें। परहेज, अब क्या नहीं खाना है, खाने की बात हमने की, क्या नहीं खाना है तो दूध आपको नहीं पीना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो दूध बिल्कुल ना पिए और दूध से बनी हुई चीजों का सेवन भी मत करें। हाँ, कई लोग बोलेंगे भाई हमें तो चाय या कॉफी, तो चाय कॉफी आपको नहीं लेना है, वो सुपर एसिडिक है। चाय और कॉफी आपको कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाने का काम करती हैं। उनमें जो कैफीन प्रेजेंट है, वो उस समय जब आप लेते हैं उसको, तो आपको लगता है कि इससे हमें फ्रेश होते हैं, इससे हमारा पेट साफ होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि इसके अंदर में चाय में खास करके टैनिक एसिड की मात्रा करीब 20% है, जो कि चमड़े की कंपनियों में रेशे काटने का काम करती है। अब आप ये देखिए कितना सफल है पूरा सिस्टम हमारा। अगर आप टैनिक एसिड को अंदर डालते हैं, एक तो अंदर सारा भाग बहुत कड़क हो जाता है और अंदर के रेशे कटने शुरू हो जाते हैं। हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मुंह से लेकर के और एनस पोर्शन तक, ये एक एक्सप्रेस जैसा है, जो भी आप डालेंगे वो बाहर निकलना ही है, क्योंकि रेशे लगे हुए हैं। आप अगर खा के सोते हैं, बैठते हैं, अपने आप चीजों को आगे सरकाने के लिए रेशे अपना काम करते रहते हैं, लेकिन जब आप चाय डालना शुरू करते हैं तो वो रेशे कटना शुरू हो जाते हैं, और फिर जब तक चाय नहीं पियेंगे तब तक पेट साफ नहीं होगा, क्योंकि कैफीन का प्रभाव दिमाग पे पड़ता है, दिमाग को रिलैक्स करता है। ये हमारा सोचना हो जाता है कि दिमाग रिलैक्स होता है चाय से, फिर हमें पेट साफ होता है, लेकिन अगर आपने ध्यान कर लिया सुबह में, तो देखेंगे वो काम जो रिलैक्सेशन का था, वो एक सिंपल मेडिटेशन से भी हो जाता है। तो दूध ना लें, दूध की बनी हुई जितनी भी मिठाइयां हैं, खास करके मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करें। तला हुआ सामान, जो तला हुआ सामान है वो बहुत ही हैवी हो जाता है, गरिष्ठ हो जाता है, और वो बहुत ज्यादा पानी को खींचता है, क्योंकि पहले ही आपकी बॉडी में पानी की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है। तो फ्राइड फूड को बिल्कुल अवॉइड करें, डू नॉट टेक, तला भुना मत लें, ज्यादा स्पाइसी खाना मत लें, प्रोसेस्ड पैक्ड फूड्स जितने भी आप मार्केट से लाते हैं उनको छोड़ दें। देखिए मैं आपको एक बड़ा सरल सा तरीका बता रहा हूं,
आप जो चीजें लेते हैं जिनमें पानी की मात्रा है वो चीजें आपके लिए बेहतर हैं कॉन्स्टिपेशन को हटाने के लिए। अब आप देखेंगे जो आप मार्केट से जितना भी चिप्स लाएंगे या ब्रेड लाएंगे, तो क्या ब्रेड में से कोई पानी निकलेगा? क्या चिप्स में से कोई पानी निकलेगा? आप देखेंगे जितने भी ताजे फल ताजे सलाद हैं, इवन आप अगर पका करके भी सब्जी देखेंगे तो उसमें भी पानी की मात्रा होती है। लेकिन जितना भी प्रोसेस्ड फूड है दैट इज नॉट गोइंग टू डू एनी गुड, उसमें एसिडिक कंटेंट बहुत ज्यादा है और उससे हानि तो होगी फायदा नहीं होगा। तो ये चीजों को बिल्कुल बंद कर दें, परहेज में रखें। और फाइनली आपको मैं एक ऐसी बात बताने लगा हूं जिसके बारे में आपको जानकर के थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो हम सेवा करते हैं जो हम सर्विस करते हैं ये कॉन्स्टिपेशन को हटा देती है। सेवा करने पे हमारे शरीर के भीतर आनंद की उत्पत्ति होती है। सेवा से मेरा मतलब आपने आज सोचा कि हम कुछ बांटेंगे, खाली सोचा है, सोचने से ही आपके अंदर अमृत बनना शुरू हो जाता है, आपको एक गुड फील फैक्टर मिलना शुरू हो जाता है। जब आप पॉजिटिव विचार बनाते हैं और पॉजिटिव काम में जुट जाते हैं तो आपके शरीर के भीतर एक बहुत बड़ी तब्दीली होती है, कुछ ऐसे रसायन बनने लग जाते हैं जो आपकी कॉन्स्टिपेशन को जड़ से खत्म ही कर देते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मुझे एक जमाने में बहुत भयंकर कॉन्स्टिपेशन रहा करती थी, मेरा पेट दुखा करता था, आज से करीब 14 साल पुरानी कहानी है। मैंने जब अपना खाने पीने का डाइट सिस्टम चेंज किया, हाइड्रोथेरेपी को अपनाया, तो मेरे पेट से जितनी भी समस्या थी वो सब निपटने लग गई। आखिर में मैंने ये देखा कि मेरे पेट में दर्द रहा करता था, 11-12 महीने हो चुके थे और मुझे सेवा के सिद्धांत के बारे में बारंबार बताया जा रहा था। उस दिन मैंने 5,000 रुपये पॉकेट मनी निकाला हुआ था और मेरे को इतनी प्रेरणा हुई भीतर से, मैंने एक 500 रुपये की नोट अपनी ऊपर की जेब से नीचे की जेब में रखा, भगवान के लिए सेवा के लिए निकाला। पहली बार की बात बता रहा हूं आपको मैं। और जब वो प्रेरणा मुझे मिली, मैंने एक नोट 500 का ऊपर की जेब से नीचे की जेब में आंख बंद करके प्रार्थना करते हुए कि परमात्मा आज मैं आपके लिए निकाल रहा हूं, जहां आप बोलोगे इसको मैं वहां पे सेवा में दे दूंगा, इतना करना था और वो जो पेट में मेरे दर्द बना हुआ था वो अपने आप से गुम। ओ इट वॉज अ मिरेकल। मैंने कुछ भी नहीं उस दिन खाने में बदला, ना ही मैंने कुछ और किया, बस इतना ही प्रक्रिया। सेवा से आपके भीतर कुछ ऐसे रसायन बनने लगते हैं जो अमृत का काम करने लगते हैं। और वैसे भी कई कबार ऐसा भी देखने मिला है कि जो लोग स्वार्थी होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन जरूर होती है, कंजूस होते हैं ना, रोकते हैं चीजों को, बटोरते हैं चीजों को। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप अपने विचारों को नहीं छोड़ते हैं, पुराने विचारों को पकड़ के रखते हैं, या अगर आप सेवा नहीं करते हैं, आप चीजों को रोक के रखते हैं, बटोर के रखते हैं, पुराने कपड़े आपने अलमारियां लद लद के पड़ी हुई हैं, नया लाने के रखने की जगह नहीं है, पर अंदर पड़े हुए कपड़े ना तो खुद पहन रहे हैं ना किसी को दे रहे हैं। 1 साल हो गया, अगर आपने कोई कपड़ा नहीं पहना है तो उसे दे दें, निकाल दें, आप अपने लिए बहुत अच्छा काम कर लेंगे। जो ऊर्जा कहीं पे रुकी हुई थी वो ऊर्जा को जाने दें, आप देखेंगे आपके शरीर के भीतर उसकी उपलब्धि बहुत बढ़िया होती है। आपका ब्रेन बोलता है बटोरो, रोक के रखो, तो आपके जो आंतों के भी सेल्स हैं वो उस सामान को बाहर नहीं जाने देंगे। ये तो मेरा माल है, मैंने पैसा लगा के खरीदा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मेरे हेड ऑफिस से ब्रेन ने बोला है। सो छोड़ना सीखें, विचारों को छोड़ें, पुराने विचारधारा को छोड़ें और साथ साथ में सेवा को अपनाएं। इससे आपके शरीर में वो रसायन बनेंगे जो आपकी कॉन्स्टिपेशन को जड़ मूल से खत्म करने का काम करेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था, मैं आपको दो रेसिपीज दूंगा आज जो आपको बहुत ही कारगर काम करेंगे। इसे आप बहुत ध्यान से नोट कर लें अपने पास में,
ये ज्यादा करके तकलीफों को दूर करने में बहुत ही कारगर है। तो 2 करेला लेना है, 2 टमाटर लेना है और 1 खीरा लेना है। 2 करेला मीडियम साइज का, 2 टमाटर और 1 खीरा, इन्हें आप बड़ा बड़ा काट करके पीसेस में और मिक्सर में डाल दें, पानी मत मिलाएं इसमें, और उसका जूस बना करके उसे छन्नी में छान लें। जो उसका गूदा है उसे फेंक दें, जो जूस बना है ये, इससे 1 गिलास जूस बनेगा, इसे आराम से आप पी लें। ये कड़वा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें 1 खीरा और टमाटर डालने के बाद में करेले की जो कड़वाहट है वो बैठ जाती है। आप आराम से इसको पी पाएंगे, आपको जान के अच्छा लगेगा। मैं इसे हफ्ते में 1 बार या 2 बार जरूर लेता हूँ, मुझे तो ये बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आने लगेगा क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं, बहुत फायदे हैं। ये आपकी कब्जियात को जड़ मूल से खत्म करने में सक्षम है। और एक दूसरी रेसिपी जो मैंने आपको पहले बताया था, ये ड्राई फ्रूट शेक की रेसिपी है। ये सभी लोगों को घर में, क्योंकि मीठी बनती है, बहुत अच्छी भी लगती है, थोड़ा सा अगर आप पैसा लगा सकें तो एक काम करें, 2 अंजीर, 10 मुनक्का, अगर कोई कॉपी हो तो उसको लिख लें, नहीं तो आप अपने स्क्रीनशॉट ले लें अपने मोबाइल के अंदर, 2 अंजीर, 10 मुनक्का और 30 किशमिश। इन 3 चीजों को आप किसी गिलास के अंदर में पानी में भिगो दें रात भर के लिए, और अगले दिन सुबह में इन्हें पीस लें, और एक अलग से कटोरी के अंदर में 5 बादाम और 1 अखरोट भिगो दें। जिसमें ये बादाम और अखरोट आप भिगोएं, उस पानी को आप फेंक दें। बादाम और अखरोट के पानी को फेंक देंगे क्योंकि वो कड़वा हो जाता है, उसमें एसिड निकल जाता है इनका। बादाम का छिलका भी छील दीजिए, एसिडिक पोर्शन होता है, अंदर की जो गिरी है व्हाइट कलर की, ये अल्कलाइन होती है और ये कॉन्स्टिपेशन को हटाने का काम करती है। हम लोग ये शेक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आयुर्वेद में भी बताया है, बादाम के गुण उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं जितना इसको पीस करके आप लेते हैं। तो ये 5 बादाम और 1 अखरोट, इनको आप ये जो अंजीर मुनक्का किशमिश वाला पानी था उसमें, पानी के साथ में अंजीर मुनक्का किशमिश को ले लेंगे और इसे मिक्सर में चला करके 200 ग्राम पानी मिला करके इसको आप 1 गिलास में डाल देंगे। इससे 1 गिलास बढ़िया तैयार हो जाएगा। तो अगर आप 4 लोग हैं तो 4 गुना मात्रा ले लें, और अगर आप 1 अकेले हैं तो 1 के लिए ये ऊपर मैंने आपको मात्रा बताई है। ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को तो हटाएगी और ये नया ब्लड आपकी बॉडी में बनाने में भी काम करेगी। जिन लोगों को डायबिटीज हो वो ये जूस को लेने की जगह पे पहले वाला जूस ले लीजिए। जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो उनके लिए, खास करके जो मैंने अभी पहले आपको बताया, आप 2 करेला 2 टमाटर और 1 खीरे का जूस लेंगे, ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा, आपकी डायबिटीज को भी ठीक करता चला जाएगा। जिन लोगों को वजन को कम करने की जरूरत है वो भी 2 करेला 2 टमाटर और 1 खीरे का जूस लेंगे। जिनका वजन बढ़ा हुआ है वो लोग ये वाला जूस मत लें, खास करके जिन लोगों का वजन कम है और वजन बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए तो ये अमृत है। दिस इज द बेस्ट जूस दे कैन हैव, हाईली अल्कलाइन एंड हाईली लेक्सिटिन, क्योंकि आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में बहुत बढ़िया काम करता है। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही ध्यान से सुना, इसके लिए आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपने दी है। अब सब अपने क्वेश्चन के लिए वेट कर रहे हैं आपका सर, तो बुला लें। यस यस सर, शोभा बक्सानी जी को पहले ले लीजिए। बहुत पहले शोभा जी, आपने हैंड लोअर कर दिया है, चलिए फिर से करिए। तब तक तोरल जी को लेते हैं। तोरल जी, आपको अनम्यूट किया है, आप बात कीजिए सर से। तोरल जी,
हेलो हेलो, यस मैम, यस मैम, बात नमस्ते कीजिए सर, नमस्ते। सुन रहे हैं। यस यस, हाँ मैं यस अभी नई नई ज्वाइन हुई हूँ। मुझे वो कश्यप सर ने ज्वाइन किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है ये ग्रुप में। कभी कभी इंटरेस्टिंग पार्ट, और धीरेन सर से मेरी पर्सनली भी बात की थी, मुझे प्रॉब्लम्स है। तो सर एक रिक्वेस्ट है कि आर्थराइटिस वाले को खट्टा लेने से मना करते हैं, हाँ तो जी, क्या वो हनी लेमन और जिंजर वाला ले सकते, और ये इसमें टमाटर भी मना किया हुआ है, तो क्या करें देखिए, दोनों? जिन्होंने आपको मना किया है उन्होंने दवाइयां दी हैं, वो दवाइयां ले लेके अगर आप थक जाएं तो जो पीछे परहेज उन्होंने लिखा था वो लेना शुरू कर दें, ओके ओके, क्योंकि यस आप यस देखेंगे सिट्रस सफाई बहुत अच्छी करता है। यस सर, आप यस देखेंगे जब ये सिट्रस अंदर जाएगा तो ये यूरिक एसिड को तोड़ने की अगर कोई दवाई है तो वो है सिट्रस। ओके जोड़ों के अंदर में जो दर्द होती है वो कारण उसका ज्यादा करके यूरिक एसिड का जमाव होता है। हमारी बॉडी में जब यूरिक एसिड का प्रमाण बढ़ता है तो यूरिक एसिड को हम लोग फेंक देते हैं जोड़ों के अंदर में, और ओके वहां वो जम यस जाता है, जिसकी वजह से नजर आएगा कि गैप कम हो गया है और वहां पे स्वेलिंग नजर आएगी। यस आप जब सिट्रस लेना शुरू करते हैं तो वो यूरिक एसिड को तोड़ने के लिए काम करता है। वहां से यूरिक एसिड को जब वो हटाएगा तो पहले 2-3 दिन तक आपको लगेगा। आप देखिए, आपने जब ध्यान शुरू किया होगा, अगर आप करते हैं मेडिटेशन, तो आपको शुरू शुरू में पीठ में दर्द या खुजली या ऐसे कुछ सिम्टम्स, ये कायानुपसना जो होती है ना, ये आपने, ये जब आप सिट्रस अंदर डालते हैं तो ये कहीं ना कहीं पे आपके भौतिक शरीर में पड़े हुए जमे हुए यूरिक एसिड को जब तोड़ेगा तो उस समय हो सकता है 2-3 दिन तक आपको शुरू शुरू में प्रॉब्लम लगे, मे बी द यस प्रॉब्लम एग्रावेट फॉर द फर्स्ट 2-3 डेज, लेकिन अगर यस आप एक यस हफ्ता इसको लेंगे आप देखेंगे वो प्रॉब्लम सबसाइड होनी शुरू हो जाएगी और आपको फायदा करना शुरू कर देगी। तो यस और सर, थोड़ा सा सह लें और कर लें, हाँ सर, वो आपको मेरा, नुकसान नहीं करेगा, फायदा करेगा। और मेरा एक और भी कच्चा इसमें, टमाटर, टमाटर का भी आपने जो पूछा था, कच्चा टमाटर भी आपको फायदा करेगा। टमाटर पकने के बाद में सुपर एसिडिक हो जाता है तो फिर वो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। इसलिए कोशिश करें जो आप पका करके सब्जी बनाते हैं या जो आप सूप बनाते हैं उसमें टमाटर ना डालें। ओके। और एक 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 है, एक सेकेंड, मेरा आर्थराइटिस से जोग्रेन सिंड्रोम हो गया है, सभी नसें सूख रही है, तो इसीलिए ये सब, मतलब अभी तो जो कुछ मैंने मेडिकेशन। आज आपको बताया, आप अगर ये सब चीजें कर लें, अगर आप ध्यान करने लगें, आप सेवा करने लगें, और साथ साथ में जो आपको एनीमा का प्रयोग बताया गया उसको कर लें, आप यस देखेंगे बहुत सारी चीजों में आपके बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा। ओके ओके सर, ओके और अगर मैं थैंक कम लफ्जों में कहूं तो आपको चमत्कारिक लाभ होगा, ओ चमत्कारिक। यस सर, श्योर श्योर, आई फॉलो इट, यस सर, क्योंकि वी वॉन्ट टू मेरा, मेक द शेयरिंग वंस एवरीथिंग गोज प्रॉपरली, आपका सब यस कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि सेवा जरूर लेकिन कीजिएगा, क्योंकि एक चीज की जानकारी आपके माध्यम से मैं वापस सब लोगों को करवा दूं, जो लोग सेवा करते हैं उनके शरीर में रसायन बनने लगते हैं जो अपने आप से अपनी प्रॉब्लम को मिटाने में सक्षम है। कैंसर और एड्स की बीमारी भी सेवा के माध्यम से ठीक होती है। यस मेडिटेशन यस और सेवा, अगर आपने ये दो पंख लगा लिए तो कोई कोई चीज आपको रोकेगी नहीं, आप उड़ान भरेंगे। चमत्कार यस मतलब ऐसा चमत्कार जहां पे आपने देखेंगे ऐसा स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हमारे बैंक में पड़ा हुआ पैसा तो बैंक में ही छूट जाएगा एक दिन, लेकिन जो आप सेवा करते हैं वो हमारे साथ में पुण्य के खाते में हमारे साथ जुड़ के अगले जन्म में भी जाता है। तो यस अगर यस आपके पुण्य की करेंसी है तो आपको चमत्कार मिलेंगे, आपको करना जरूर पड़ेगा। हाँ जी, श्योर श्योर सर, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक थैंक यू यू वेरी मच। तोरल जी, थैंक यू। यस मंजुलता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए सर से। नमस्कार सर, नमस्कार मंजुलता जी। आपकी आपकी आवाज में आवाज थोड़ी हो रही है। ब्रेक, आवाज ब्रेक हो रही है मैम आपकी, चलिए, जहां तक वीडियो मंजुलता बंद जी, करिए आपने सर,
निकला हुआ है, पथरी हो गई थी तो गॉडफादर निकला। सर आवाज आ रही है आपको? नहीं, कुछ उन्होंने कहा पथरी है क्या? सर वो बोल रहे हैं कि गॉल ब्लेडर निकला हुआ है, पथरी हो गई थी गॉल ब्लेडर में तो गॉल ब्लेडर निकला हुआ है। ओके, अब जो चीज निकल गई उसको तो हम वापस नहीं बना सकते तो उसके लिए परहेज उसके लिए कुछ है क्या? परहेज में तो देखिए, अब जो चीज रही नहीं उसका तो क्या परहेज करेंगे, लेकिन एक बात है कि डॉक्टर एक्चुअली में गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं कि पथरी है निकाल लो, इसका वैसे तो कुछ काम नहीं है, लेकिन अगर कोई काम नहीं होता तो अपने को सोचना चाहिए तो वो सृष्टि में हमारे क्यों था। काम तो बहुत होता है हमारी बॉडी के अंदर में, हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ रोल है। अपेंडिसाइटिस का कहीं पेन हुआ, अपेंडिक्स को निकाल देते हैं काट के, नहीं करना चाहिए, ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें हमारी बॉडी को हेल्प करती हैं। बट हाँ, इससे इतना जरूर पता चल रहा है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन का लेवल, इतना जानकारी कर लीजिए ये जो पथरी होती है ये होती क्यों है, पहले ये जानकारी कर लें तो आपको अपनी जो समस्या है उसका निदान अपने से समझ आने लगेगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये रिसर्च का विषय रहे, बात की जानकारी अच्छी तरह से आपको हो जाए। आपकी आंतों के अंदर कहीं पे पुराना मल पड़ा है, उसमें क्या है बहुत बारीक 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 अंदर ना विलई होते हैं, विलई बोलते हैं उसको हम, जैसे रेशे नहीं होते हैं इसमें, वो टॉवल में रेशे से होते हैं ना, कॉटन के टॉवल में, वैसे ही रेशे जैसे हमारे अंदर लगे होते हैं जो विलई से एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जब उसके अंदर सामान चिपक जाता है, टॉक्सिन्स चिपक जाते हैं, तो हम ऊपर से तो डालते हैं ग्रेप्स का जूस, लेकिन जब उसका चोषण होता है तो वो ग्रेप्स के साथ में थोड़ा सा टॉक्सिन का पार्ट भी जो जमा हुआ था उसमें, वो भी अंदर जाने लगता है ब्लड में। और फिर हम क्या देखते हैं कि वो जो टॉक्सिन हमारी बॉडी में गया वो धीमे 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 पथरी के रूप में जहां पे फॉर्मेशन लेता है, या तो गॉल ब्लैडर में या तो किडनी में, और फिर वहां पे पथरी हो जाती है। तो इसमें सबसे अच्छा इलाज तो ये है, जिन लोगों को अभी गॉल ब्लैडर की समस्या या कोई पथरी की समस्या हो तो वो फिर से ना हो इसके लिए, क्योंकि ऑपरेशन कराने से भी ऐसा नहीं है कि ये तो क्या गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया पूरा, बाकी पथरी अगर खाली निकाली हो तो पथरी दोबारा हो जाती है। आपने कहीं देखा होगा कई लोगों को ऐसा होता है कि किडनी का ऑपरेशन करवाया, पथरी निकलवा दी और पथरी फिर 6 महीने साल भर में फिर से हो गई। बिल्कुल, इसका सिंपल यही सिस्टम है कि आप आंतों को साफ कर दें एनीमा लेकर के, ताकि वो जो टॉक्सिन्स बॉडी में वापस आ रहे थे, रोटेट हो रहे थे और जम रहे थे, वो होना बंद हो जाए। तो एनीमा इसका सबसे अच्छा और सिंपल इलाज है। और खाने में जो हम डाइट लेते हैं उसमें क्षारीय धर्म का खाना जरूर लें, कच्चे फल कच्चे सलाद जैसा कुदरत ने दिया है, कुदरती खाना। प्राकृतिक खाएंगे तो प्राकृतिक बनेंगे, अप्राकृतिक खाएंगे तो अप्राकृतिक बनेंगे। जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड को, जितना मार्केट से डिब्बे में पैकेट में बंद होके आने वाला सामान है उसको बिल्कुल बंद कर दें। करती हूँ सर, सिंपल खाना खाती हूँ, डाइट अच्छी लेती हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे ना हुए। क्योंकि आप देखिए ना, जो हम बाहर से लाते हैं ना, वो जितना भी पैकेट वाला सामान है वो पेट में जाकर के चिपकता है, हमें वो चीजें फायदा नहीं, वो नुकसान ज्यादा कर जाती हैं। सर एक और पूछना था, तुला दान आप बोले पंडित को देना चाहिए या गरीबों में? हाँ, किसी भी ब्राह्मण को बुला करके, जो ब्रह्मा की खोज में लगा है ऐसे व्यक्ति को बुला करके उनको बोलिए, ब्राह्मण पंडित जो भी आपकी जानकारी में हो, तुला दान बता करके उनको दे दें। ये आयुर्वेद का एक सरलतम तरीका है अपनी एनर्जी को फ्लो करने के लिए। हम जब मंजुलता जी सुख लगाते हैं ना, सुख लगाते हैं तो सुख तो जीवन में आना ही है, और ये सबसे बड़ी लर्निंग है, देना, देने वाला राजा बन जाता है अपने जीवन में, और कुदरत बहुत सहाय हो जाती है उन लोगों की, वो तो है जी। बहुत फायदा हो जाएगा इसमें। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू मंजुलता जी, थैंक यू। सर आगे है रीना जैन, रीना जैन जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, आप अपने आप को बात कीजिए।
यस रीना जैन जी, यस रीना जैन जी, हेलो हेलो, हाँ बोल रही हूँ, जो जूस के लिए बोला है सर ने, हेलो, यस वीडियो, आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा, वीडियो ऑन करूंगी तो फिर वो साउंड क्लियर नहीं आएगा, नेटवर्क का थोड़ा सा ओके ओके, बात कीजिए बात कीजिए, आप सर से बात कीजिए, यस मैं सर से पूछ रही थी, जो आपने टमाटो करेले का जूस जो बोला है वो डेली एम्प्टी स्टमक लेना है या ट्वाइस अ डे लेना है, मतलब दो बार लेना है दिन में? इसको एम्प्टी स्टमक सुबह में लेंगे, सुबह में ले लीजिए, एम्प्टी स्टमक ले लेंगे तो और भी अच्छा है, और उसके बाद में 1-1.5 घंटे तक और कुछ ना ले। अच्छा हाँ, ये जिनको पथरी है उसको भी तोड़ने का काम करेगा, जिनको डायबिटीज है उसको भी दुरुस्त करेगा, जिनको थायराइड है उसको भी ठीक करेगा, और कॉन्स्टिपेशन जो कि सभी बीमारियों की जड़ है उसको निकाल के बाहर कर देगा। बहुत बढ़िया जूस है, आप इसको जरूर लें, ये आपको बहुत लाभ करेगा। क्योंकि मेरा दो ही प्रॉब्लम है, एक तो कॉन्स्टिपेशन का और एक ना खांसी का, जुखाम बहुत रहता है, इसलिए मेडिटेशन भी करती हूँ तो मेरे को बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में। दूध बंद कर दें, बिल्कुल दूध ना लें, दूध से बनी हुई चीजें बंद कर दें। अच्छा, दूध तो नहीं लेती रीना जी? नहीं नहीं दूध दूध नहीं पीती हूँ, चाय जरूर पीती हूँ, थोड़ा चाय, दो बार चाय पीती हूँ सुबह शाम। दूध लेना ही नहीं है, चाय कॉफी भी नहीं लेना है, चाय कॉफी को बंद कर दें, जिस चीज की ज्यादा आपको, बिना पनीर कुछ नहीं, नहीं पनीर से बहुत कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मत बिल्कुल मत लें। अच्छा, दूध ना लें, छेना ना लें, दूध की बनी हुई जितनी भी मिठाइयां हैं वो बंद कर दें। अच्छा, आप देखेंगे परिणाम बहुत अच्छे होंगे, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच रीना जी, थैंक यू रीना जी। सर अब और कोई किसी का भी हैंड रेस नहीं है, अब आप आगे बलराज, यस बलराज जी आ गए हैं, यस सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। नमस्कार सर, बलराज सर नमस्कार, कैसे हैं आप सर? सर आई एम एब्सोल्युटली गुड, थैंक यू। मैंने कहा आज सबको मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि यू नो कभी कभी मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि शायद हमने बहुत अच्छे कोई कर्म किए हुए हैं, बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं जो ऐसे विद्वान लोगों के बीच में इनो सज्जन संगत्य होती है, और आपके बारे में तो यही कहूंगा कि आज जरूर अपनी नजर जरूर उतारिएगा, बिकॉज कभी कभी क्या है कि यू नो अपने आप को आप इतनी ज्यादा इतनी अच्छी बातें करते हैं तो इतना और इतना फायदा यू नो लोगों के बारे में सोचते हैं, तो आई रियली ब्लेस यू कि भगवान करे आप इसी तरह खुशियां बांटते रहे लोगों में और उनकी जिंदगी। और आपकी सबसे बखूबी सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगती है, आप एक ऐसे इंसान है जो हमेशा हंसते रहते हैं, और आई थिंक एक इंसान जो हमेशा हंसता रहता है वो दूसरों को इतनी पावर देता है, और मेरे को तो आपसे बहुत ज्यादा पावर मिलती है, तो आई फील वेरी ब्लेस्ड एक्चुअली कि यू नो आप हमेशा इसी तरह ये ज्ञान की बातें जो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें आप सिखाते हैं हमको, और कितनी प्रैक्टिकल चीजें आप हमें सिखाते हैं निस्वार्थ भाव से, सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। मैं तो अभी जाके सर की नजर उतार देती हूँ, बलराज सर जी, मैं अभी तुरंत जाके भैया की नजर उतार देती हूँ सर, प्लीज प्लीज। और मैं तो बलराज सर आपको ये जरूर कहूंगा कि जैसी आपकी निगाह होती है ना वैसा ही आपको नजर आता है, आप खुद बहुत हसमुख है, बड़े जोवियल है, और मेरा तो आपको देख के बहुत इंस्पिरेशन हमेशा मिलती रही है, जब जब आप आए प्रोग्राम में You always made all the people laugh, always made the people dance, and always made the people excited with it. You fill the people with excitement. जी बस यही कोशिश है सर, और इसीलिए हम संडे को एक प्रोग्राम करते हैं आनंद और ब्रह्मो का, अरुण अगर आपके आपको पता होगा कि ये दोपहर को 3:30 और 5 के बीच में होता है हर संडे के दिन, और उसमें कोशिश यही होती है कि हम सब जितने भी लोग जितने भी हम यू नो इस मेडिटेटिव परिवार से हैं हम सब एक साथ इकट्ठे होते हैं वहां पर, और हम उस जगह पे अपनी क्रिएटिविटी जो हमारे अंदर में छुपा हुआ एक एक ऐसा पैशन है जो यू नो लोगों के बीच में नहीं आता उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप और आपके जितने भी मास्टर्स यहाँ हैं
अगर उनको टाइम मिले तो संडे को जरूर 3:30 और 5 के बीच में प्रोग्राम होता है, आइए जरूर। और इट्स अ वेरी नाइस प्रोग्राम, और यू नो यू कैन ऑलवेज शेयर योर क्रिएटिविटी आल्सो। धीरेन्द्र सर हमें लिंक मंगवाइए। यस सर, लिंक मंगवाइए हमारे लिए। मैं अभी लिंक भेज दूंगा धीरेन्द्र सर के। ये लिंक तो मैं सबको डाल दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि पीएमसी गुजरात के मंच पे ऐसा कार्यक्रम करने के लिए आप जरूर आए। बस जरूर सर, होली आ रही है, बस होली पे कुछ रंगों का कार्यक्रम होगा फिर। बहुत बढ़िया सर, वी विल डेफिनेटली मेक यू कम ओवर हियर एंड मेक द पीपल हैव अ लॉट ऑफ फन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। लाइक टू आस्क एनीथिंग एल्स? नहीं सर, बस आपको बस थैंक यू कहना था कि मैंने कहा कभी कभी कुछ हीरो शब्द निकलते हैं तो थैंक यू कहना बहुत जरूरी होता है। रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक ऐसी चीज आई है यू नो, एक रिकॉग्निशन, उससे क्या है दोनों को ऊर्जा मिलती है, आपको तो मिलती है और मुझे भी मिल रही है कि मैंने आपको थोड़ा सा यू नो, थोड़ा सा नहीं बहुत सा दिल से दुआ दी, तो उससे मुझे खुद को भी दुआ मिली, तो आई फील गुड अबाउट इट। सो थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आगे हैं लता जी। लता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, नमस्ते पूजा मैम, पहले आपको मैं नमस्ते कहती हूँ, आत्मा वंदन। लता जी नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो आप? Everyone is good. कैसे हो आप? कैसे सर हो? को पसंद नहीं है पत्री जी? सर को पसंद नहीं है, कैसे हो? क्योंकि आपको कैसा पत्री जी? हाँ पत्री जी सर को बिल्कुल पसंद नहीं है, कैसे हो? सर पूछते हैं क्या हो रहा है बाबा, और बाबा सर ऐसा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यस यस यस, बात कीजिए लता जी, बात कीजिए। बस मैंने ऐसे आपके बात करने के लिए, आपने देखा मैंने आपको कभी तो चलो पूजा मैम है तो आपके से बात करनी थी, जब 2 महीने हो गए आपसे बात नहीं हो पाई, फोन से कभी बात नहीं हो पाती मेरे से, तो मैं आज मैं पूजा मैम से बात कर लेती हूँ। धीरेन्द्र सर ऐसे मैं फोन पे बात कर लेती हूँ, पर आपके साथ करने आती हूँ तो कहीं भी जाना पड़ता है कि बात नहीं हो सकती है मेरे से, ऐसा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम धीरेन्द्र सर। यस हेलो। हाँ जी, मैं अभी देखो आपके सामने ऐसे बैठी हूँ, देखो पलाटी लगा के बैठी हूँ, बहुत बढ़िया है मेरे पाँव में। ओके, बहुत बढ़िया ध्यान कर रहे। हाँ सुबह में शाम को भी अटेंड कर रही हूँ, दोनों टाइम अच्छा चल रहा है मेरा प्रोग्राम। वेरी नाइस। जो मैं हाँ बस इसलिए मैंने बात करके, चलो धीरेन्द्र सर से मैं बात कर लूँ, पूजा मैम से भी बात करनी थी कि 2 महीने हो गए हम मिले नहीं है, चलो मिल लेते हैं। अब आपको आना है अहमदाबाद 28 तारीख को संकल्प ध्यान में, रविवार के दिन 28 मार्च को। 28 मार्च को? हाँ, मैं और स्मिता बहन तो आएंगे पक्का। 21 तारीख को जो कि रविवार आ रहा है, इसमें सभी लोगों को ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा न्योते का, और सभी को आना है, और अच्छा? आपको तो पहले आना है क्योंकि ये आपके घर का पिरामिड है, ये आपका पिरामिड है। सही बात है। नमस्ते, खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार जी, थैंक यू, थैंक यू लता जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। संजय ठाकुर जी, संजय ठाकुर जी बात कर रहे हैं। सर प्लीज अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। संजय जी। सर नमस्ते, नमस्ते। नमस्कार संजय भाई। बहुत बढ़िया से आपने एक्सप्लेन किया है, ये तो अभी जो बल्लाज भाई आए तो हमने बोला कि एक बार वो 14 फरवरी को डांस करके गए थे, अभी अगला कब आएगा? 14 फरवरी को ही होली मिलन में कर लेंगे। होली में आएंगे बल्लाज सर हमारे साथ में। जरूर जरूर। 28 को क्या आपके यहाँ पिरामिड का ये कुछ है? हमारे अहमदाबाद में 28 तारीख को सुबह में 10 बजे से 12 बजे का हम लोग साइट पे जहाँ पे 40x40 का पिरामिड बनने जा रहा है वहाँ सभी लोग मिलकर के ध्यान करने वाले हैं, और साथ में वहाँ कुछ भोजन करने वाले हैं। ओके, ओके। तो ऊर्जा को बढ़ाएंगे वहाँ पे, जितना जल्दी हो सकेगा बनाएंगे वहाँ पे, हमें जमीन मिल गई है, वी हैव बॉट द प्लेस नाउ। कितना समय लगता है ये उस पर डिपेंड करेगा बनाने में।
सर इसमें कौन कौन शामिल हो रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कौन इंजीनियर हैं, थोड़ा सा वहां पे शुरुआत करके। हाँ, यहाँ पे हमारे साथ में संजय त्रिवेदी जी यहाँ के एक बड़े बिल्डर हैं और पीएसएसएम के वरिष्ठ साधक भी हैं जो पिछले 8 साल से पीएसएसएम से जुड़े हैं। ओके, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनके साथ ही हम लोगों ने ये सब डिसाइड किया और वो हमारा सहयोग दे रहे हैं। बहुत सुंदर, जैसे मैंने बताया था 18x18 का तो हमारा पिरामिड है और लेकिन 2 बनवाया है, लेकिन अभी मैं चाह रहा था कि बड़ा सा हो, तो बड़ा के लिए प्लॉट तो है हमारे पास, सब कुछ है, तब तक मैं टॉयलेट वगैरह सब बनवाता हूँ, आगे का बड़ा बनाना है, इसलिए थोड़ा सा अगर कहीं से गाइड मिले जो कोई आगे थोड़ा मतलब दिखा सके, हाँ ऐसे करना है, बाद बाकी हम कर लेंगे, मिस्त्री को एक बार आके समझा दे हाँ भैया ऐसे कर लो तो हो जाएगा, प्लीज हेल्प करिएगा इसमें। और दूसरा, आप तब से कैसे करते हैं, आपने तो क्लिनिक के बारे में बहुत अच्छा बात किया, एक एक आदमी को जो जूस वगैरह सब पता है, बहुत बढ़िया, मेरी थोड़ी सी एक्सपर्टीज है उसमें, लेकिन ये तब से या ये सेवा जो आपने बताया है, वो सेवा से किस तरह से होते, जरा शॉर्ट में मुझे एक बार बता दें कि किस तरह से सेवा की जाए और कैसे लोगों का बीमारी ऐसे हटता है। सर देखिए, दो चीजें जो है ना बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं, और खास करके साइकोसोमेटिक रीजन जो है ये 90% लोगों के अंदर में रहता है। साइकोसोमेटिक यानी कि हमारे मन से हमारे शरीर पे उतरने वाली बीमारियां। ओके, और जो हमारा मन बोलता है वो हमारे हर एक सेल के अंदर में वाइब्रेट होता है। ओके, वो हर एक सेल के अंदर वो बना रहता है। अगर हम अपने मन से पुरानी विचारधारा को छोड़ने के लिए ना बोलते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उस विचारधारा को पकड़ के ही रखूंगा, okay. तो ये रेजोनेट करता है हमारे सभी सेल्स के अंदर। और ऐसे चलते में क्या होता है कि जब आपके शरीर से कुछ भी बाहर निकलने लगे तो वो छोड़ता नहीं है कि नहीं नहीं पुराने को मत जाने दो, बॉस ने कहा है, बॉस जो ऊपर बैठा है उसने कहा है पुराने को मत जाने दो, तो पकड़ के रखूंगा। okay. तो ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देता है हमारे सिस्टम को चोक करने में, और हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम जो विचारों को बांध के रोक के और पुरानी चीजों को पकड़ के बैठे थे वो इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। चीजों से मेरा मतलब हम संग्रह करने लगते हैं, बटोरने लगते हैं। अपने घर में आप देखेंगे कपड़े जो है इतने सारे पड़े हैं जिनको पिछले 1 साल से कोई भी नहीं पहना है, लेकिन जो नहीं पहना है उसको ना तो खुद पहन रहे हैं ना किसी को पहनने दे रहे हैं। वैसे तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग स्वार्थी बोलते हैं। स्वार्थी मैं इसलिए बोलता हूं ताकि शायद हमारे साथ में जितने भी लोग मौजूद हैं मेरी बात सुने, किसी के चुप जाए कि मैं स्वार्थी नहीं हूं, और अपने यहाँ से सब कपड़े निकाल दे जो काम में 1 साल से नहीं रहे, क्योंकि जिस चीज को हमने रोका है, जिस ऊर्जा को रोका है, जब आप किसी चीज को रोकते हैं ये तो मेरा है मैं क्यों दूं, मेरा है, तो वो अंदर में भी जो सेल्स है ना वो बोलते हैं ये तो माल मैंने खाया था, मेरा है मैं क्यों जाने दूं, मैं क्यों जाने दूं, बॉस ने कहा है बॉस ने कहा है नहीं जाने दो। तो आप देखेंगे जब हम ध्यान के माध्यम से अपनी पुरानी सोच को बदलते हैं और सेवा के माध्यम से जब हम अपने घर में पड़े हुए उन सामान का जिसका कोई उपयोग नहीं था वो देने लगते हैं, हमारे शरीर के अंदर में कुछ ऐसे रसायन बनने लगते हैं। यूं तो जानकारी करके आपको भी अच्छा लगेगा बाकी सबको भी कि हमारे शरीर में 10 लाख केमिकल बनाने की क्षमता है। 10 लाख केमिकल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, पूरी फार्मास्यूटिकल हमारे शरीर के भीतर लगी है। ग्रेट, हमारा जब ये ध्यान, एक तरफ से ध्यान और एक तरफ से सेवा, जब ये हम लोग करने लगते हैं तो उड़ान भरने लगती है हमारी जिंदगी। बीमारियां तो छू हो जाती हैं। आप चाहते हैं चमत्कार देखना है तो ये दो चीजों को आप अपने जीवन में अपना लें, ध्यान और साथ साथ में सेवा, तो आप उड़ान भरने लगेंगे, आपकी बीमारियां चमत्कारिक रूप से गायब होने लगेंगी, मिरेकुलस हीलिंग होने लगेगा, मिरेकुलस। हाँ, जरूरी ये है इसमें कि आपके पास में पुण्य के खाते में कुछ हो, क्योंकि जहां तक आप चाहते हो कि अदृश्य शक्तियां आपके काम आए, जो आपको दिख नहीं रहा है वो काम करने लगे, तो फिर उसके लिए आपको करेंसी अर्जित करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ दवाई लेने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, वहां पे पुण्य देना पड़ता है
सही बात, सही बात, बहुत बहुत सुंदर, बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच सर। आप तो बड़े ज्ञानी हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि किसी को भी मार के रखेगा, यस यस ऐसे करना ही है। जैसा आपने किसी किसी को बताया है अभी, अगर वो 100% ऐसे फॉलो कर ले, 100 या मैं 50% ही बोलता हूँ, अगर आपकी बात को मान लें तो उनकी तो बीमारियां दूर है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच संजय सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। आगे हैं लता जी, लिली जी, लिली जी अनम्यूट कीजिए, अपने आप को बात कीजिए। हेलो धीरेन सर, नमस्ते। नमस्कार लिली मैडम। और हमको पूछना था, आर्थराइटिस में दही लेने से और ज्यादा हो जाता है दर्द, क्या नहीं लेना चाहिए आर्थराइटिस में दही? देखिए दही तो वैसे भी दूध से बना है, मैं ज्यादा उसको दूध को रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन आपको अगर अच्छा लगता है तो छाछ बना लीजिए, क्योंकि दूध दूध नहीं रहता है, दही बन जाता है, तो उसमें लैक्टोबैसिलस एंजाइम, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बढ़ जाता है, जो कि हमारी गट में सफाई का काम अच्छा करता है और वो गुड बैक्टीरिया की गिनती में रहता है। तो बेहतर तो ये होगा लिली जी, अगर आप उसका छाछ बना के ले लें तो दैट विल बी हेल्पफुल दोपहर के टाइम पे। नहीं, हम देखते हैं कभी कभी हम दही दोपहर को लेते हैं, लेकिन उसमें घुटने में दर्द होता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो अगर आपको कोई चीज एलर्जी कर रही है, खास करके कोई दूध से बनी हुई बनावट, तो उसको आप बंद कर दें, मत लें। हमको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, मत लें फिर। अगर आपको नुकसान कर रहा है तो वो मत लें, वो मत करें। सिट्रस ले लें, मैंने सिट्रस के बारे में कहा आपको, सिट्रस सफाई अच्छी करता है, दही से सफाई होगी ऐसा नहीं कहा मैंने। अच्छा ना, जो नींबू है, संतरा है, मौसमी है, अंगूर है, इनका रस बना करके लें, ये आपको खूब फायदा करेगा। और एक चीज, रात को खाना कितने बजे खाना चाहिए, रात का खाना? मैडम ऐसे तो देखें तो वैसे तो आयुर्वेद के हिसाब से चलें, या तो जो आप देखेंगे जो संध्या समय पे खाना ले लेना चाहिए, सूरज के ढलने से पहले, पहले तब तो भूख लगती है। लेकिन आजकल लोग अपने डॉक्टरों से वापस आते हैं 7-8 बज जाते हैं, तो इट डिपेंड्स, आप कितने बजे भी लेना चाहें आप लें, लेकिन 14 घंटे उसके बाद में कुछ ना खाएं। अगर आपने 8 बजे रात का डिनर किया है तो सुबह 10 बजे तक आप कुछ ना डालें। थैंक यू, बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया है, बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम, हमने पूरा नोट करके रखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। एक है शहनाज, शहनाज जी अनम्यूट कीजिए आप अपने आपको। मीना जी के ध्यान भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम, थैंक यू। शहनाज जी बात कीजिएगा, अनम्यूट नहीं हुए है क्या? यस, बात कीजिए मैम। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा ध्यान कराया, और जब भी आप आते तब भी आप बहुत अच्छा ध्यान कराते, और मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सर को जरा सामने तो लाइए जरा, सर सर सामने ही है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत अच्छा बोलते सर, और आपकी बीमारियां हम लोगों की तो आधे से ज्यादा आपके बोलने से ही खत्म हो जाती है। सर जब आप पॉजिटिव सोचते हैं ना, देखिए मैं आपको एक बात इसी पे बताता हूँ, जीसस क्राइस्ट ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास में आने वाला हर एक व्यक्ति ठीक हो जाता है, और वो बोलता है कि मैंने उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया, लेकिन ये मैं जानता हूँ, बोलते हैं कि मैंने कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया, मैंने तो खाली स्पर्श ही किया था। उनका विश्वास उन्हें ठीक कर जाता है, क्योंकि उनके भीतर जो चेंजेस, जो रसायन बनाने थे, उनके विश्वास से वो उनके भीतर बन जाते हैं। तो जैसा आपने बताया, ऐसा अक्सर होता है, हम डॉक्टर को जब मुलाकात करते हैं तो 50 तक का तो उसको देख के ठीक हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। नहीं
नहीं सर, सच में रियल में मैंने आपकी वो पिछली बार भी जो सुना था वो बवंस वाला, वो भी एक काम करता है, मैंने किया है सर। मेरे को भी एसिडिटी बहुत होती है, कभी कभी बहुत ज्यादा होने लगती है, तो मैं वो करती हूँ, तो मुझे उससे आराम है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर ही हो रहा, पूरा सेक्शन हो रहा है सर। मेरे को भी पेट की थोड़ी कब्जियत सर बहुत रहती है, तो मैं वो ही सुन रही थी। मैंने कहा ये तो आज लग रहा है कि पूरा मेरे ऊपर ही हो रहा है। तो सर जो चीज आपने बताई है, अगर इसके अलावा कोई सरल सी चीज हो तो वो बता दे तो वो ज्यादा अच्छा है। सरल सी चीज, मैंने तो सारे चीज बिल्कुल सरल बताई है। पानी से इलाज बता दिया, पट्टी लगा लें पेट के ऊपर में, ध्यान बता दिया, ध्यान तो सर सब चीजें बहुत सरल हैं। हमारे पास में तो सरलतम से सरलतम तरीके हैं हर एक चीज को ठीक करने के। एक्सरसाइज बता दिया, थोड़ा आप सूक्ष्म व्यायाम कर लें, आप मसाज कर लें अपने पेट की, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीके हैं। करेले टमाटर का जूस बता दिया, अफोर्ड कर सके अगर आप तो मैंने आपको अंजीर मुनक्का किशमिश का भी एक ड्राई फ्रूट शेक भी बता दिया, जिसको पी करके भी मजा आए, और हाँ उसमें थोड़ा खर्चा है लेकिन है बहुत लाजवाब। चलो वो तो छोड़ो आप, मैं तो वो वाले ही कर लूंगी करेले वाला। और अगर ये सब ना करना हो तो एनीमा का डब्बा लें, उसमें पानी डालें और उससे एनीमा करके पेट को साफ कर दें। That is the most easiest way to do. मैंने तो बहुत सारे रास्ते बता दिए, किस किस को आप अपनाना चाहें उसको आप अपना लें, जो आपको सरल लगे जो अच्छे लगे उन तरीकों को आप अपना लें। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शनाज जी। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। और ऐसी सबको करिए। थैंक यू सर। रीना जैन जी ने फिर से हैंड रेस किया, बात करनी है। यस बात कीजिए रीना जी। मुझे धीरेन सर से पूछना था, सेवा वाला जो चीज बोल रहे हैं धीरेन सर, ध्यान और सेवा, सेवा में क्या करने के लिए बोल रहे हैं सर? यस सर सुन रहे हैं, आप बोलिए सर, बात कीजिए। सेवा में मैडम आप जो खाना खाते हैं ना, आप जो खाना खाते हैं उससे आपको बहुत सुख मिलता है। तो जब आप चार रोटी बनाते हैं अपने लिए तो एक रोटी आप भगवान के नाते से निकाल दें। आप अच्छा। जब फल सलाद लेने बैठते हैं तो एक प्लेट बनाएं बीच में भगवान की, और उसमें 1/4 पोर्शन जो आपकी प्लेट में रखा है वो निकाल दें। आप जो भोजन करने बैठते हैं उसमें से आवाज नहीं आ रही है। सर की आवाज क्लियर है, आपके शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है, सर की आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा सर अभी जो बोल रहे थे वो थोड़ा सा रिपीट कर देते वापस। ओके ओके सर प्लीज। भोजन में से प्राथमिकता से भोजन को पहले निकालेंगे तो आपका जो भोजन है जो आप कर रहे हैं वो भोजन ना रह करके प्रसाद बन जाएगा। आपके घर में जो कपड़े पड़े हैं, पुराने कपड़े जो आपने एक साल से नहीं पहने, उन सबको सेवा में दे दें। इससे ऊर्जा का बहाव होगा और आपके गुड एनर्जी में शामिल होता चला जाएगा। पुरानी ऊर्जा बाहर जाएगी तो नवी ऊर्जा आने का आपको परस्पर मौका मिल जाएगा। नहीं एक बार कोई सर आए थे वो बता रहे थे पुराने कपड़े नहीं, अपने पहने हुए कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए। बिल्कुल देने चाहिए, जिसमें मैं और मेरा लगा हो और आपके काम ना आ रहा हो, दूसरे के काम आ सके वो काम जरूर करना चाहिए। कभी भी बटोरना अच्छा। नहीं चाहिए। ऐसा हमारे मंच पे किसी ने आज तक नहीं कहा है कि नहीं देना चाहिए। आपने किसी और मंच पे बात ऐसी सुनी होगी, अगर हमारे मंच पे बोलते तो मैं पकड़ लेता, क्योंकि यहाँ तो मैं ही होस्ट होता हूँ। एक्चुअली मैं 2-3 जगह मेडिटेशन करती हूँ, कहीं पे सुना था कोई सर बोल रहे थे कि अपने बदन के कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए। बिल्कुल देने चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए। क्योंकि मैं तो इतने सालों से, मैं तो बहुत टाइम से, क्या हम लोग जैन समाज का जो संस्था का जो चलता है ना ग्रुप, उसमें हमेशा हर साल 2 बार कपड़े जाते हैं तो देते ही है। बिल्कुल सर, यही लग रहा है कि अगर कहीं ऐसा बोला गया है तो हम उसके रीजन को जाने ना कि भाई क्यों नहीं देना चाहिए, तो हमें समझ में आएगा।
हाँ अनम्यूट उसका हो गई है रीजन रीना अगर बता जी। सके तो। हाँ जी जी अनम्यूट हो गए हैं रीना जी, अनम्यूट हो गए। म्यूट हो वापस गए क्या? करूं क्या? म्यूट हो गए उनको। चलो वो सुन तो रहे हैं, आप सर बता दीजिए। एक मिनट। तो ऐसा है कि आप जब सेवा करते हैं तो इससे आपके खाते में पुण्य की कमाई बढ़ती है, और अगर आप उसमें पुण्य में कुछ होगा, सुख लगाएंगे तो सुख मिलेगा, ये तो बिल्कुल सही है। तो अगर कहीं दुख आया तो सुख का अभाव है, अगर कहीं पे अंधेरा है तो प्रकाश की कमी है, प्रकाश आ गया तो अंधेरा रहेगा नहीं, सुख आ गया और कब आएगा? जब आप सुख लगाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा है, इट इज अ वेरी सिंपल सिस्टम टू अडॉप्ट विद। और इससे सबसे बड़ी उपलब्धि ये कि आपके शरीर में वो रसायन बनने लगते हैं खुद ब खुद जिससे आपको ठीक होने की जरूरत है। तो सेवा का सिद्धांत तो बहुत जबरदस्त काम करता है, मिरेकुलस हीलिंग का काम करता है। एक तरफ में साधना ध्यान और एक तरफ में सेवा, अगर आपने ये दो बात को समझ लिया, बिल्कुल सरल और सहज है, तो ये जड़ मूल से कॉन्स्टिपेशन को नष्ट कर देती है। खाने में मैं क्या खाएं आपकी और बातें पूजा बातें मैडम की आती हैं। बात तो मैं आपकी और पूजा मैडम की बात तो गांठ मार लेती हूँ। पूजा दी ने एक बार बिल्कुल बताया था कि मतलब बना अपना निकालना चाहिए कुछ मनी वगैरह अलग से भगवान के लिए, तो वो मैं अब यस, नियम से करती हूँ, दशांश तो उससे दशांश हाँ के लिए उससे बोला था। बहुत हाँ जी, बहुत 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 फायदा होता है। एक्चुअली एक्चुअली बहुत साथ में फायदा है। आप दोनों ने लाइफ मेरी लाइफ चेंज कर दी, धीरेन्द्र सर ने और पूजा दी ने। वाह, बहुत थैंक यू, फर्क पड़ गया, मैं ग्रेटिट्यूड जब से ग्रेटिट्यूड। मेडिटेशन कर रही हूँ गुजरात टीम में, मेरी लाइफ में बहुत चेंजिंग आई है। कहाँ से है मैं? मैं कोलकाता से हूँ, मेरा मन शांत हो गया, मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहता है, मतलब कोई भी फालतू बातें नहीं आती है दिमाग में, मन में वेरी बहुत शांति नाइस, हो गई वेरी है। नाइस। चलिए बहुत अच्छा है रीना जी, ये तो सबका फल है। कोटि कोटि मैंने फर्स्ट वंदन टाइम है धीरेन्द्र सर सच्चे का पितामह ही सुभाष पत्री जी के चरणों में, जिन्होंने इतना सब ज्ञान दिया है। सबसे फर्स्ट मैंने आप ही का मतलब है ना गुजरात का ही सबसे पहले ध्यान स्टार्ट किया था फर्स्ट डे अगस्त के अंदर में। ओके ओके, तो मेरे को आज क्योंकि भी याद है आपने 15 अगस्त को मैंने फर्स्ट टाइम ध्यान स्टार्ट किया था आप ही के यहाँ पे, किसी ने लिंक भेजा था, मैंने कहा पता नहीं ये थैंक ध्यान क्या होता है। यू, और क्योंकि आपने सेवा के बारे में पूछा है तो मैं बता दूं, जो लोग सेवा करने के लिए आकांक्षी हों और सोचते हों कि हम दशांश निकालेंगे पैसे से जो सेवा करेंगे वो कहाँ देना है, तो कोई भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, मैं तो ये समझता हूं कि पीएमसी हिंदी जो कि सैटेलाइट पे लॉन्च होने की तैयारी में है, अगर आप दे सकें, अगर आप चाहें तो बी अ शेयर होल्डर, आप शेयर होल्डर बन जाएं, और जो आप पैसा अपना दशांश सेवा वहां पे देंगे वो एक बहुत ही अच्छे पर्पस में, किसी को घर के लिए नहीं चाहिए है, सत्य को दर्शन हो सके, घर घर में पहुंच सके, उस काम में वो पैसा निवेश करेंगे। तो मेरे हिसाब से सर्वोच्च स्थान पे आपका सेवा पहुंचता सर है। उसके बारे उसके लिए क्या करना होगा आप मुझे पर्सनली थोड़ा बताइएगा सर। हाँ पक्का पक्का रीना जी, और आपका अगर एक रीना चीज जी और इसके पूछना था, लिए वो तो ध्यान जगत की जो बुक है हाँ जिसका जी 500 रुपीज ईयरली है, उसको कैसे बुक करना है वो भी थोड़ा बताइएगा मुझे। वो आप पूजा जी से बात करके बुक करवा दीजिए, वो कर देंगे आपके लिए। ओके हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके।